मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901701 पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की सुपरस्टार ऋतिक रोशन की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है मुझसे दोस्ती करोगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो और इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फिल्म ने 2002 में कितनी कमाई की थी और अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको कौन से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बगैर देरी के आज की मूवी रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, इस फिल्म को 9 अगस्त 2002 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद ये मूवी साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट के बारे में तो इस फिल्म को 120 मिलियन बजट पर बनाया गया था और इस मूवी की टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात कर तो इस फिल्म ने 336.1 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। तो दोस्तों वहीं पे बात करें इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी एंड करीना कपूर इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में नजर आई हुई थी। दोस्तों बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो इस फिल्म को कुणाल कोहली ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर तो आदित्य चोपड़ा ने एंड कुणाल कोहली ने मिलकर इस फिल्म की कहानी को लिखे थे। और बात करें इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में तो यश चोपड़ा ऋतिक रोशन के साथ जो है मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और इस फिल्म को यशराज मूवीज के बैनर के तहत बनाया गया है। बता दें दोस्तों यशराज मूवीज के बैनर के तहत बनाई गई कोई भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। यह दोस्तों आपने सही सुना। दोस्तों ये फिल्म जो है काफ़ी हद तक अच्छी तरह से बनाई गई थी लेकिन ये मूवी उतनी अच्छी कमाई नहीं की जितनी की इस फिल्म से उम्मीदें की जा रही थी। बता दें दोस्तों मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म कुणाल कोहली द्वारा निर्देशित की गई और यश चोपड़ा द्वारा अपने बैनर यशराज फिल्म के लिए निर्मित की गई 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की रोमांस फिल्म है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी और करीना कपूर सहायक भूमिकाओं में नजर आई है। दोस्तों ये मूवी सन 1996 की अमेरिकी कॉमेडी द थ्रूट अबाउट यानी कि कैंटॉस एंड के साथ जो है डॉग्स पर आधारित फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी तीन दोस्तों के प्रेम त्रिकोण का अनुसरण करती है जहां पे राज खन्ना, रोशन यानी कि पूजा, सहानी मुखर्जी और टीना कपूर करीना कपूर के रूप में नजर आई हुई है। अरे दोस्तों मुझसे दोस्ती करोगी फिल्म को लेकर कोहली ने अपनी निर्देशन करियर की स्टार्टिंग की जहाँ पे जिन्होंने आदित्य चोपड़ा के साथ पटकथा और कहानी का सह लेखन भी किया था। दोस्तों इस फिल्म की छायांकन एंड संयुक्त रूप से रवि के चंद्रन और साथी गोपाल शाह ने भी की थी जबकि राहुल शर्मा ने संगीतकार के रूप में काम किया था फिल्म के अंदर। दोस्तों मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को 120 मिलियन के बजट में बनाया गया था। इन पैसों को अगर हम यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 1.6 मिलियन के बजट पे इस फिल्म को निर्मित किया गया है और मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को 9 अगस्त 2002 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और ये फिल्म दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहा जिसने जो है 336.1 मिलियन से अधिक की कमाई किया जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 4.4 मिलियन की कमाई की और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी और उनके चित्रण के लिए करीना कपूर को चौथे इफ्फा अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था। बता दें दोस्तों मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म कुणाल कोहली के निर्देशन में पहली फिल्म थी जिसने जो है मीडिया ने बताया था कि यह फिल्म 1996 की अमेरिकी फिल्म से प्रेरित है। तो दोस्तों ये फिल्म जो है अमेरिकी मूवी से थोड़ा सा प्रेरित है लेकिन कोहली ने समझाया है कि इसका एक दृश्य जो है इनके समान नहीं है और गलत पहचान से निपटने वाला एक ट्रैक रखी गई है। तो मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को इसे यशराज फिल्म के बैनर के तले यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया था और आदित्य चोपड़ा ने कोहली के साथ यानी कि कहानी और पटकथा का सह लेखन किया था। संवाद कोहली ने लिखा था और नील नीतीश मुकेश ने सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म के अंदर काम किया। दोस्तों इस फिल्म में सबसे पहले रानी मुखर्जी को
इस मूवी के रोशन और करीना कपूर को मुख्य भूमिका में लिया गया था और ये मूवी यादें फिल्म 2001 और कभी खुशी कभी गम फिल्म 2001 के बाद के दो यानी कि तीसरे सहयोग को चिन्हित करता है। दोस्तों फिल्म के अंदर रानी मुखर्जी पूजा सहानी के रूप में काम करती है। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म पर काम करने के हर पल से यानी कि प्यार था और दोस्तों और ये फिल्म को यानी कि उनके लिए और साथ ही विशेष अधिकारी के रूप में वर्णित किया गया था। फिल्म के अंदर ऋतिक रोशन ने राज खन्ना का किरदार निभाया है। इसकी तुलना उन्होंने कहो ना प्यार है फिल्म से किया है जिसमें उन्होंने सन 2000 के दशक में अभिनय किया था। दोस्तों सन 2000 के दशक में अपनी भूमिका से की थी उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ अपने संबंधों की बात करते हुए दावा किया है कि उनके साथ काम करना एक खुशी थी और वह बहुत ही पेशेवर बहुत यानी कि साथी मिलनसार और साथी सहज दिखती है। जब वह सेट पर आती है तो वह सभी नकारात्मक को पीछे छोड़ देती है। फिल्म के बारे में reddit.com धारा सकारात्मक में यानी कि सचाताकार में उन्होंने कहा था कि मुझसे दोस्ती करोगी फिल्म एक बहुत ही गहन फिल्म थी और कहा दूसरा भाग में मेरे चरित्र राज की यानी कि तीव्रता से होती है और आगे बढ़ जाती है। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म एक प्रेम त्रिकोण की तुलना में तीन दोस्तों के बारे में फिल्म को बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना। बता दें दोस्तों इस फिल्म की कहानी लोगों को पसंद आया था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म उतनी अच्छी कमाई नहीं की जितनी की फिल्म से उम्मीदें की जा रही थी। जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में, तो फिल्म से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बताया जाता है। तो हमारी कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे। तो बता दें दोस्तों इसी बीच करीना कपूर मस्ती करने वाली लड़की टीना कपूर की भूमिका में फिल्म के अंदर अभिनय की है। वह शुरू में फिल्म में अभिनय करने के लिए अनिच्छुक थी क्योंकि इस फिल्म में रानी मुखर्जी के बाद की दूसरी महिला प्रधान भूमिका में इनको लिया गया था। इसके वजह से इस फिल्म के लिए वो जो है हामी नहीं भरी थी। दोस्तों इसी भूमिका निभाने के लिए हालांकि द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कोहली और यश चोपड़ा ने उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए मना लिया। किसी भी तरह उन्होंने इसी भूमिका को बहुत ग्लैमर इंसानी विशिष्ट रूप से माना था और लोग मुझसे उम्मीद करेंगे के रूप में पाया और उनका मानना था कि उनके प्रशंसक जो है विशेष रूप से पुरुष इसे पसंद करेंगे। उन्होंने कहा मैं यानी कि हारे हुए व्यक्ति की भूमिका फिल्म के अंदर निभाती हूँ फिर भी विजेता बनकर उभरती हूँ। बता दें दोस्तों ये मूवी एक अच्छी कहानी और अच्छी नायिका की पहचान है जिसे नायक मिलते हैं और मेरी भूमिका में बेहतर यानी कि गुंजाइश है कि फिल्म का जीवन मैं हूँ और अन्य पात्र यानी कि ज़्यादातर समय उदास रहते हैं। बता दें दोस्तों अपने परिचयात्मक इंसानी दृश्य की तैयारी के लिए अभिनेत्री ने 3 या 4 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था और ये सब जो है कि असंगत रूप से रिपोर्ट किया गया था क्योंकि वह चाहती थी फिल्म में अच्छा दिखना चाहती थी और क्योंकि इसमें जो है मेरे यानी कि मेड रेप को उजागर करना शामिल था। और उसके अलावा करीना कपूर ने स्वीकार किया है कि उनका रूप मुख्य यानी कि प्रथात्मिक दिखती है। दोस्तों फिल्म को 120 मिलियन के बजट में बनाया गया है जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 1.6 मिलियन के बड़े बजट में फिल्म को निर्मित किया गया था क्योंकि फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी का संचालन रवि के चंद्रन और गोपाल शाह ने किया था। फिल्मांकन फिल्म सिटी लंदन और स्विट्जरलैंड और साथ ही यूनाइटेड किंगडम दोनों ही अन्य स्थानों पर हुआ था और अहमदाबाद में खान जो है कोरियोग्राफर थे जबकि मनीष मल्होत्रा और रॉकी स्टार जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे फिल्म के और अनुज माथुर ने जहां पे धोनी को डिजाइन किया था वहीं पे साथी जो है कि शर्मिष्ठा रॉय ने कहा था कि फिल्म के निर्देशक के रूप में काम किया और फिल्मांकन जो है कि एक हफ्ता होने के बाद जो है मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म रितेश सोनी और बी यानी कि कर्णिक धारा संपादन किया गया था। बता दें दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को जिसे 2002 में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स भी मिले थे। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म के कहानी के बारे में। तो बता दें दोस्तों फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है पूजा से। पूजा और राज टीना आपस में बचपन में दोस्त रहते हैं जबकि राज हमेशा टीना के प्रति आकर्षित रहा था
और वह पूजा के प्यार से अनजान है। बता दें दोस्तों, राज के पिता काम के लिए अपने परिवार के साथ लंदन जाने का फैसला करते हैं। इसी बीच जाने से पहले राज टीना से ईमेल के माध्यम से संवाद करने का वादा कराती है। टीना मस्ती प्रेमी और साथी बीच लिए जो है जिम्मेदारी नहीं चाहती है, इसलिए पूजा राज को लिखता है कि टीना को अपना वादा निभाने और राज को खुश करने में मदद करने के लिए अपने नाम के बजाय जो है टीना ईमेल पर हस्ताक्षर करती है। वर्षों से उनके ईमेल उन्हें जो है करीब लाते रहा और 15 साल बाद राज छुट्टियों के लिए भारत लौटता है तो अब उसे पता चलता है उस लड़के से प्यार हो गया है जिसे वह ईमेल पे लिख रहा है और मानता है कि वह उसे पहली नज़र में पहचान सकता है ताकि वह उसके आने से पहले तस्वीर का आदान प्रदान कर सके। बता दें दोस्तों, जब टीना ईमेल से राज से बातचीत कर रही होती है, इन राज पूजा के पीछे चला जाता है और उसे पहचानने में विफल रह जाता है, जैसे कि उसने कहा था कि, लेकिन टीना को पहचान लेता है और उसके साथ जो है धूम्रपान किया जा रहा है और सोच रहा है कि उसने उसे इतने सालों में लिखा है और वह इस जन की बात पर ध्यान नहीं देता है कि असली टीना उस टीना से बिल्कुल अलग है जिसे वह ईमेल के माध्यम से जानता था। और टीना बाद में पूजा का परिचय कराती है और दोस्त आपस में बन जाते हैं। टीना इसी तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि वह नहीं जानती है कि जिससे राज यानी कि बरसों से बात कर रहा है और वह उन यानी कि नहीं जानती कि जिसे वह वास्तव में प्यार करता है और राज की छेड़खानी का विरोध भी नहीं कर सकता और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। उनकी माता पिता यानी कि सहर्ष सगाई की घोषणा भी कर देते हैं इसी बीच और उसका दिल टूट जाता है। जो असली टीना होती है उसका दिल टूट जाता है जो ईमेल से लगातार बात कर रही थी और पूजा ने कभी यानी कि रहस्य का खुलासा नहीं करने का फैसला किया, लेकिन ये रहस्य खुल जाता है जब दोनों एक चर्च में जाते हैं तो दोस्तों वहाँ से फिल्म की कहानी और भी रोमांचक हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को। तो दोस्तों इस फिल्म को मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता, ये मैंने आपको कई सारे वीडियो में बता रखा है क्योंकि मैं सिर्फ मूवी की रिव्यू एंड मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ही बता सकता हूँ। दोस्तों जब तीनों मिलते हैं तो राज पूजा के पीछे चला जाता है और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि टीना कौन है। जब राज लंदन से लौटता है तो जहां पूजा एक स्वच्छता कार के लिए पात्र करती है और राज पूजा को अपने यानी कि पसंदीदा चर्च में ले जाता है घुमाने के लिए और वहां पे गलती से एक गीत की धुन जो है गुनगुनाती है इसे उसने लगभग कई साल पहले उसे लिखा था। बता दें दोस्तों, ये सुनकर राज को तुरंत यह पता चल जाता है कि पूजा वही लड़की है जो उन सभी वर्षों से उसे लिख रही थी और वह उन सभी छोटी छोटी बातों को भी याद करती है। तब राज जो है सभी अपनी छोटी छोटी बातों को याद करता है जो उसने ईमेल में साझा किया था और जिसके बारे में वह जानती थी और उसे बताती है कि वही है जिसे वह वास्तव में प्यार करता है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। भारत में वापस टीना के पिता की मृत्यु हो जाती है। टीना को अकेला छोड़कर उनकी आखिरी इच्छा थी कि टीना राज से शादी करे और पूजा के माता पिता का कहना है कि वह टीना के माता पिता के रूप में सभी रस्में निभाएंगे और यह देखकर कि टीना अब अकेली है, पूजा राज से शादी करने से इनकार कर देती है। राज इसके खिलाफ है और वह अपने पिता और अपने माता पिता को सच बताने के जीत पर अड़ा हुआ है, लेकिन पूजा उसे रोक देती है और वह गुस्से में कसम खाता है कि वह टीना से तभी शादी करेगा जब पूजा उसी दिन किसी और इंसान से शादी करेगी। लंदन में रोहन वर्मा राज के दोस्त है जो हमेशा पूजा की ओर आकर्षित रहा होता है और जब जो है परिवार राज और टीना की शादी के लिए लंदन जाते हैं तो पूजा राज के अल्टीमेटेड को पूरा करने और टीना की खुशी यानी कि सुनिश्चित करने के लिए रोहन से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन टीना को आखिरकार पता चल जाता है कि राज वास्तव में पूजा से प्यार करता है क्योंकि वह देखती है कि राज के परिवार का पुश्तैनी कंगन जो है पूजा की कलाई के बजाय उसकी कलाई के लिए फिट किया गया था, क्योंकि वेदी पर टीना ने राज और पूजा का सामना करते हुए कहा कि वह अकेली नहीं है और खुशी है कि ऐसा महान दोस्त उसके लिए अपने प्यार का त्याग करने को तैयार है। फिल्म पूजा और राज की शादी के साथ समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये है इस फिल्म की कहानी जो मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं
मुझसे दोस्ती करोगी फिल्म को, जिसे 2002 के अंदर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छी रिस्पॉन्स मिली है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस फिल्म ने 2002 में कितनी कमाई किया। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इस फिल्म को कोहली ने डायरेक्ट किया है, जिस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें की जा रही थी कि फिल्म एक अच्छी कमाई करेगी, क्योंकि फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। लेकिन फिल्म की कहानी अच्छी होने के बावजूद भी फिल्म उतनी अच्छी कमाई नहीं किया, क्या रीज़न है चलिए अब हम यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। बता दें दोस्तों, मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म से उम्मीदें थी कि वर्ष के सबसे यानी कि बहुत बहुप्रतीक्षित मूवी होगी, क्योंकि फिल्म में से एक जो है कि ऊँच स्तर की गई थी, क्योंकि यह फिल्म एक फिल्म यानी कि निर्देशक के रूप में कोहली की पहली फिल्म थी। यह मूवी 9 अगस्त 2002 को खुला और इसके विपरीत एक व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरा, क्योंकि फिल्म को पूरे भारत में 290 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इसने अपने शुरुआती दिन में 11.6 मिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 1,50,000 की कमाई की, और इसने भारत में 211 मिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 2.8 मिलियन, और विदेशों में फिल्म ने 2.6 मिलियन का संग्रह किया। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की कुल कमाई बतलाई है 336.1 मिलियन, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 4.4 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। फ्लॉप के फैसले के साथ अपने अंतिम व्यावसायिक प्रदर्शन का यानी कि समापन किया फिल्म ने, और फिल्म का विश्व टेलीविजन जो है प्रीमियर 7 नवंबर 2002 को जी सिनेमा पर हुआ था, जबकि इसका वीडियो इंसाती सर्कन 11 नवंबर 2003 को सिंगल डिस्क के साथ जो है पैक में जारी किया गया था। बता दें दोस्तों, यह फिल्म 8 मार्च 2017 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को मिश्रित समीक्षाओं के लिए खोला गया था और फिल्म को आलोचकों ने लेट की सराहना की, लेकिन इसके पूर्वानुमानित जो है कथानक की आलोचना की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के लिए लेखन तरण आदर्श ने फिल्म को 1 स्टार की रेटिंग दी, और यह देखते हुए कि यह फिल्म स्पष्ट रूप से रानी मुखर्जी की है, जिनकी तुलनात्मक रूप से सबसे यानी कि अधिक यानी कि भूमिका में रखी गई है। बता दें दोस्तों, उनका मानना था कि रानी मुखर्जी एक भूमिका में शानदार थे, जो उन्हें एक यानी कि दस्ताने की तरह फिट बैठता है फिल्म के अंदर, लेकिन उनका मानना था कि करीना कपूर को पूरी तरह से पृष्ठभूमि से हटा दिया गया था। 2.5 सितारा समीक्षा में सुभाष के झा ने देखा कि कोहली यश यानी कि चोपड़ा धारा एस के साथ जो है कि उनके साथ एरी वेश में अपने जो है स्वयं के संपर्क को लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि वैरायटी के ड्रेक एली ने कहा है कि कपूर ने कभी खुशी कभी गम फिल्म 2001 से बड़े पैमाने पर अपने जो है लाडले जो है बिम्बो को फिर से जो है आश्चर्यचकित किया है, क्योंकि रोशन की एक जो है कि स्मार्ट और प्रेमी और अच्छी नृत्य वाली प्रतिभा साबित करने के लिए प्रशंसा की गई है। बता दें दोस्तों, बीबीसी के मनीष गजर ने कपूर के समान जो है विचार साझा किए, क्योंकि टीना के रूप में बेहद खूबसूरत दिखती है और इसी फिल्म में कॉमेडी के लिए बहुत अच्छी यानी कि फ्लेयर दिखती है। हालांकि दर्शकों को हिट फिल्म कभी खुशी कभी गम मूवी उनके पूर्व चरित्र की याद दिलाती है फिल्म के अंदर। बता दें दोस्तों, वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को, जिसे 2002 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छी रिस्पॉन्स मिली थी। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इस फिल्म को फुल हिंदी में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। किया गया था सिनेमा घरों में और यह मूवी दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित किया था और आकर्षित करने में विफल रहा, जिसने जो है 336.1 मिलियन यूएसए में कमाई किए थे और इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 4.5 मिलियन से अधिक की कमाई इस फिल्म ने की थी, और आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएँ इस फिल्म को मिला हुआ है, और इस फिल्म में करीना कपूर को चौथे इफा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभिनेत्री के लिए नामांकन किया गया था, जो कि फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था। दोस्तों अब मुझसे दोस्ती करोगी फिल्म कुणाल कोहली के निर्देशन में पहली फिल्म थी, और मीडिया ने बताया कि फिल्म 1996 की अमेरिकी कॉमेडी द ट्रूथ अबाउट कैटोस एंड डॉग्स पर आधारित मूवी थी, लेकिन कोहली ने समझाया कि इसका जो है एक यानी कि दृश्य समान नहीं है और गलत यानी कि पहचान से निपटने वाला नहीं है, एक ट्रैक है लेकिन यह चीर नहीं है और ऑफ यानी कि, और आप जो है इस फिल्म को देखते हैं तो इसे जो है यशराज फिल्म के बैनर के तले या फिर यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया मूवी था।
और आदित्य चोपड़ा सर ने कोहली के साथ कहानी और पटकथा सह लेखन भी किया था। संवाद कोहली सर ने खुद लिखे थे और नील नितिन सर जो है इस फिल्म के मुकेश सर ने सहायक निर्देशक के रूप में इस फिल्म में उन्होंने काम किया था। रानी मुखर्जी, रोशन और साथ ही करीना कपूर को इस फिल्म में मुख्य भूमिका में लिया गया था। यह मूवी जो यादव 2001 और कभी खुशी कभी गम फिल्म 2001 के बाद के दो तीसरे सहयोग को चिन्हित करता है और रानी मुखर्जी पूजा सहानी के रूप में इस फिल्म में अभिनय की है। पूजा सहानी के रूप में कहा है, जिन्होंने मुझसे दोस्ती करोगे पर काम करने के हर यानी कि पहले हर पल जो है हर पल से यानी कि प्यार था और फिर जो है फिल्म को उनके लिए विशेष आधारित के रूप में वर्णित किया गया था। ऋतिक रोशन ने राज खन्ना का किरदार इस फिल्म में निभाया है, जिसकी तुलना उन्होंने कहो ना प्यार है मूवी सन 2000 में अपनी भूमिका से की थी। उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ अपने संबंधों की बात करते हुए दावा किया कि उनके साथ जो है काम करना एक खुशी थी और वह बहुत ही यानी कि पेशेवर, बहुत यानी कि मिलनसार और सहज है। जब वह सेट पर आती है तो वह सभी नकारात्मक को जो है पीछे छोड़ देती है और इस फिल्म के बारे में Reddit.com द्वारा यानी कि सचाताकार में उन्होंने कहा है कि मुझसे दोस्ती करोगे मूवी एक बहुत ही गहन फिल्म थी और कहा कि दूसरा भाग में मेरा चरित्र राजा की साथी त्रिव्रता से आगे बढ़ जाता है और भाग मेरे चरित्र राजा की यानी कि त्रिव्रता से आगे बढ़ जाता है। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म एक प्रेम त्रिकोण की तुलना में तीन दोस्तों के बारे में अधिक जो है इस फिल्म में बतलाया गया है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और इस फिल्म को 2002 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे। मूवी को 120 मिलियन बजट पे बनाया गया था और ये मूवी दुनिया भर में 300 से अधिक की कमाई किया है, जो इस वीडियो में हम आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फ्रेंड, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और इस मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को बता रहे हैं, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म में करीना कपूर मस्ती करने वाली लड़की टीना कपूर की भूमिका में है। वह शुरू में फिल्म में अभिनय करने के लिए अनिच्छुक थी क्योंकि वह मुखर्जी के बाद फिल्म की दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाएंगी। हालांकि द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कोहली और यश चोपड़ा ने उन्हें जो है इसे स्वीकार करने के लिए मना लिया था। उन्होंने इस भूमिका को बहुत यानी कि ग्लैमरस और साथ ही विशिष्ट रूप से जो कि लोग मुझसे उम्मीद करेंगे के रूप में ये जो है पाया गया था और उनका मानना कि उनके साथी प्रशंसक और साथी विशेष रूप से पुरुष इसे जो है पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक यानी कि हारे हुए की भूमिका निभाती हूं और फिर भी यानी कि विजेता बनकर जो है उभरती हूं इस फिल्म में। इस फिल्म के लिए किसी भी तरह से करीना कपूर को मना लिया गया और इस भूमिका को बहुत ही ग्लैमरस और साथ ही विशेष रूप से जो लोग मुझसे उम्मीद करेंगे के रूप में पाया था और उनका मानना था कि उनके प्रशंसक विशेष रूप से पुरुष इसे जो है पसंद करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं एक यानी कि हारे हुए की भूमिका निभाती हूँ फिर भी विजेता बनकर उभरती हूँ। यह एक अच्छी नायिका नहीं है जिसे जो है नायक मिलता है। मेरी भूमिका में बेहतर जो है यानी कि गुंजाइश है। मैं फिल्म का जीवन हूँ और अन्य पात्र ज्यादातर यानी कि समय उड़ता यानी कि उदास रहते हैं और अपने परिचय मौक और दृश्य की तैयारी के लिए अभिनेत्री ने 3 या 4 दिनों तक जो कुछ नहीं खाया था। यह जो है यानी कि असंगत रूप से रिपोर्ट किया गया था क्योंकि वह जो है बहुत अच्छा दिखना चाहती थी क्योंकि इसमें जो है मेरे और मेड रेप को जो है यानी कि उजागर करना शामिल था। इसके अलावा करीना कपूर ने स्वीकार किया कि उनका रूप जो है मुख्य प्राथमिकता थी इस फिल्म में और 120 मिलियन के बजट पे फिल्म को बनाया गया था, जो 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के यानी कि बड़े बजट पर निर्मित की गई मूवी थी। मुख्य फोटोग्राफर मूवी की रवि के चंद्रन और साथ ही गोपाल शाह ने संभाला था। फिल्म मांकन फिल्म सिटी लंदन और साथ ही स्विट्जरलैंड में हुई थी और यूनाइटेड किंगडम दोनों शहरों में इस फिल्म को सुनाया गया था और अहमद खान इस मूवी के कोरियोग्राफर थे, जबकि मनीषा मल्होत्रा और रकी स्टार कस्ट्यूम डिजाइनर इस फिल्म में थे और अनुज माथुर ने जहां धोनी को और साथ ही डिजाइन किया था वही जो है यानी कि शर्मिष्ठ रॉय ने कली और साथ ही निर्देशक के रूप में काम किया था। फिल्म मांकन समाप्त होने के बाद मुझसे दोस्ती करोगे रितेश सोनी और उनके साथ जो है कॉर्नियर धारा जो है संपादित किया गया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं
जो आप लोग नहीं जानते होंगे। फ्रेंड, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म के साउंड डायरेक्टर के बारे में। मुझसे दोस्ती करोगे मूवी के साउंड डायरेक्टर नवोदित राहुल शर्मा द्वारा रचित किया गया था। उन्होंने अप्रैल 2001 में प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जब वह अपने पिता शिव कुमार शर्मा के साथ एक संगीत कार्यक्रम के दौरान पर थे। राहुल शर्मा ने इसके जो है साउंड डायरेक्टर को युवा और साथ ही ताजा के रूप में वर्णित किया था। यह शहरी युवाओं के बारे में है और इसीलिए संगीत को रोमांटिक और नरम होना चाहिए। उन्होंने संतूर बंसुरी का इस्तेमाल किया था और बैकग्राउंड स्कोर के लिए एक यानी कि ऑर्केस्ट्रा में 60 वालियन और साथ ही वादक के काम किए थे। बाद के वर्षों में उन्होंने द हिंदू को बताया कि फिल्म के साउंड डायरेक्ट की रचना करना एक महान और साथ ही सीखने का अनुभव था। गीत यानी कि अनंत बख्शी द्वारा लिखे गए थे जिसमें जो है उनके साथ अलीसा चिनाई और अलका याग्निक आशा भोसले और लता मंगेशकर इस फिल्म के गाने को गाए थे और साथ ही उदित नारायण और सोनू निगम ने इस फिल्म के गाने को गाए थे। इस फिल्म के साउंड डायरेक्ट एल्बम 12 जुलाई 2002 को सारे गामा पा द्वारा जारी किया गया था। फिल्म और साथ ही व्यापक जो है वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग जो है 1.2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री के साथ जो है साउंड एट वर्स का यानी कि 11वां सबसे अधिक बिकने वाला संगीत एल्बम बन गया था। इस फिल्म के जितने भी साउंड डायरेक्टर को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा और प्रतिक्रिया मिली हुई है। मिड डे के नरेंद्र और साथ ही कुशनूर ने इसे जो है विनम्र कहा और लिखा कि राहुल की ऑर्केस्ट्रा शैली युवा है और साथ ही गिटार का उपयोग यानी कि दिलचस्प है और अभिनय उनके साथ जो है यानी कि अभिनव और हालांकि उनके साथ जो है कुशनूर ने महसूस किया कि कुछ गीतों में वह जो है विशिष्ट यश चोपड़ा यानी कि बैनर सवाद भी इस फिल्म में रखा गया था। कुल मिला के मूवी के गाने जो है काफ़ी अच्छे थे और फिल्म की एल्बम जो है साल की 11वीं सबसे ज़्यादा बिकने वाली एल्बम थी। हालांकि इस फिल्म के कुशनूर ने महसूस किया कि कुछ गीतों में वह जो है विशिष्ट यश चोपड़ा धारा बैनर और साथ ही एसवाद भी है और वास्तव में अनुमानित दौर के युवा जो है यानी कि है कि योग्य है। मनोरंजन पोर्टल बॉलीवुड हंगामा में प्रकाशित एक जो है समीक्षा में जोगिंदर टुटेजा का मानना था कि शर्मा एक यानी कि पैकेज में कई धुनों पर मंथन करने में शानदार करते हैं। द हिंदू ने विस्तार से बताया कि शीर्षक गीत जो है काफ़ी विनम्र है और भारतीय के साथ जो है मिश्रित और साथ ही पश्चिमी धुनों के साथ जो है यह गीत चार्ट पर हिट होने की संभावना है। पुरानी और नई फिल्मों के विभिन्न हिंदी गीतों का एक लंबा मिश्रण भी इस फिल्म में डाला गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, करीना कपूर एंड रानी मुखर्जी ने अभिनय की थी और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। फ्रेंड, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को, जिसे 2002 में रिलीज किया गया था और ये मूवी एक बेहतरीन सफलता मूवी साबित हुई थी और इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी मिले थे। मुझसे दोस्ती करोगे मूवी से जो है उम्मीद वर्ष की सबसे यानी कि बहुप्रतीक्षित थी फिल्म में से एक जो है उच्च थे और क्योंकि यह फिल्म कोहली की एक फिल्म निर्देशक के रूप में पहली मूवी थी और यह 9 अगस्त 2002 को खुला था और इसके विपरीत एक व्यावसायिक विफलता के रूप में यह मूवी उभरा था। इस फिल्म को पूरे भारत में 290 स्क्रीन पे रिलीज किया गया था और इसने अपने जो है शुरुआती दिन में 11.6 मिलियन की कमाई किया था। इसी तरह 1,50,000 की कमाई की थी यूएसए डॉलर में और इसने भारत में 211 मिलियन की कमाई किया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करें तो 2.8 मिलियन और विदेशों में 2.6 मिलियन का संग्रह इस फिल्म ने किया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की कुल कमाई बताया है 336.1 मिलियन था, जो यूएसए में कन्वर्ट करें तो 4.5 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था और फ्लॉप के यानी कि फैसले के साथ अपने अंतिम व्यावसायिक प्रदर्शन का समापन किया गया था। फिल्म का विश्व टेलीविजन जो है प्रीमियर 7 नवंबर 2002 को टी सीरीज और साथ ही टी उनके साथ जो 2002 को जी सिनेमा पर हुआ था।
जबकि इसका डीवीडी संस्करण जो है 11 नवंबर 2003 को सिंगल और साथ ही डिस्क पैक में जारी किया गया था। यह मूवी 8 मार्च 2017 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए फ्लॉप साबित हुआ था। मुझसे दोस्ती करोगे मूवी जो है मिश्रित समीक्षाओं के लिए खोला गया था और आलोचकों ने लीड की सराहना की थी, लेकिन इसके साथ ही यानी कि पूर्वानुमानित जो है कथानक की आलोचना की थी। और बॉलीवुड हंगामा के लिए लेखन तरण आदर्श ने इस फिल्म को 1 स्टार की रेटिंग दी और यह देखते हुए कि यह स्पष्ट रूप से सनी रानी मुखर्जी की है और जिनकी उनके साथ जो तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक भूमिका है। उनका मानना था कि मुखर्जी एक भूमिका में शानदार थे जो उन्हें जो एक दोस्त की तरह फिट और साथ ही बैठता था, लेकिन उनका मानना था कि करीना कपूर को पूरी तरह से पृष्ठभूमि से हटा दिया गया था। और 2.5 सितारा की समीक्षा में सुभाष के झा ने देखा कि कोहली यश और साथ ही उनके साथ जो है यश चोपड़ा SQ और साथ ही माहौल में अपने समय के स्पर्श को जो है लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और वैरायटी की ड्रेक एली ने कहा कि कपूर ने कभी खुशी कभी गम फिल्म 2001 से बड़े पैमाने पर अपने लाडले और साथ ही बिम्बो को जो है फिर से आश्चर्यचकित किया था और रोशन की एक यानी कि स्मार्ट प्रेमी और अच्छी नृत्य प्रतिभा साबित करने के लिए प्रशंसा अर्जित की गई थी। BBC की मनीष गज्जर ने मूवी को कपूर के यानी कि समान और विचार साझा किए थे और टीना के रूप में बेहद जो यानी कि खूबसूरत दिखती है करीना कपूर इस मूवीज में और इसी फिल्म में कॉमेडी के लिए बहुत अच्छी यानी कि फ्लेयर दिखती है। हालांकि दर्शकों को हिट फिल्म कभी खुशी कभी गम मूवी उनके यानी कि पूछ चरित्र की याद इस फिल्म में दिला देती है। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और इस मूवी की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बातें कर रहे हैं। सो फ्रेंड, अगर आप लोग इस फिल्म को YouTube पे देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और इस फिल्म को अगर आपने देखा हुआ है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं इस मूवीज को आप लोग कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम इस मूवी को रिव्यू कर रहे हैं। सो फ्रेंड, आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की मूवी को अपलोड नहीं कर सकता। मैंने अपने कई सारे वीडियो में आप लोग को बतलाया है। मूवी के आउटलुक प्रतीका की नम्रता जोशी ने जिन्होंने फिल्म को 1 सितारा रेटिंग दी है और इसे जो यानी कि परिहार्य घोषित किया है। वह रोशन की आलोचना करती जिसे जो है खुद की एक जो है घटिया और साथ ही पैरोडी बनती है और उनके साथ जो है समझती थी कि सुकन्या वर्मा ने कहा है कि पहली बार के निर्देशक कोहली और साथ ही प्रभावशाली है। वह कथानक की एक कड़ी और साथ ही पकड़ रखते हैं और पटकथा पर गहरा ध्यान देते हैं। इस फिल्म का हर चरित्र अच्छा था और तरण आदर्श से परिभाषित और साथ ही धोनी है। फिल्म तेज गति से चलती है और दर्शक जो है यानी कि खामियों को दूर करने के लिए नहीं छोड़ते हैं। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की साथी मधुरिता मुखर्जी ने दावा किया है कि मुखर्जी ने अपने दिल और साथ ही दहला देने वाले प्रदर्शन के लिए लगभग पूर्ण और अंक यानी कि प्राप्त किए हैं। और एम्पायर के उमर अहमद ने फिल्म को सेव करने के लिए उनकी सराहना की थी। खालिद मोहम्मद ने कपूर के बारे में कहा कि कलाकारों में से वह जो है मजबूती से चंचल अवसारी चतुर है, लेकिन अगर उसे जो है यानी कि टाइप कास्टिंग से बचना है तो उसे जो है अपने पवित्रता और साथ ही पूर्ण कृत्या को दोहराने के लिए ध्यान नहीं रखना चाहिए। मिड डे से इस यानी कि रामचंद्र ने लिखा कि रोशन ने एक शानदार प्रदर्शन किया था और अपने हिस्से को रानी मुखर्जी और साथ ही भावना से संचालित भूमिका और करीना कपूर से छिटपुट रूप से जो है यानी कि तीव्र और अभिनय के रूप में वर्णित किया था। साथ ही स्टारडॉस्ट ने प्रशंसा की। हालांकि कुणाल ने कुछ दृश्यों को और साथ ही संवेदनशीलता और परिपक्वता के साझे संभाला है, लेकिन वह कई अन्य दृश्यों में विफल हो जाते हैं जो कि देवाबू की उनके साझे भावना देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किए थे कुणाल कोहली सर एंड इस फिल्म के राइटर के बारे में हम बातें करें तो आदित्य चोपड़ा एंड कुणाल कोहली ने इस फिल्म की कहानी को लिखे थे। यश चोपड़ा सर इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी, करीना कपूर इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट है। फिल्म को यशराज फिल्म के बैनर के तहत बनाया गया है। इस बैनर में जो भी मूवीज को बनाया जाता है वो फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। 9 अगस्त
2002 को सिनेमाघरों में मूवीज को रिलीज किया गया था और ये मूवी एक बेहतरीन व्यवसायिक सफलता फिल्म है। हालांकि मूवी फ्लॉप हो चुकी है और इस फिल्म को 120 मिलियन के बजट में बनाया गया था और 336.1 मिलियन से अधिक की कमाई किया है। अपने बजट को काफी अच्छा रिकवर किया है और इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये मूवी बेहतरीन व्यवसायिक सफलता की हुई है। फ्रेंड, अब इस फिल्म की कहानी के बारे में हम थोड़ा सा बातें करते हैं कि मूवी की कहानी किस तरह से लिखी गई थी। इस फिल्म में पूजा, राज और टीना आपस में दोस्त रहते हैं, बचपन के दोस्त हैं, जबकि राज हमेशा टीना के प्रति आकर्षित रहा है। वह पूजा के प्यार से अनजान है और राज के पिता काम के लिए अपने परिवार के साथ लंदन जाने का फैसला करते हैं। जाने से पहले राज टीना से यानी कि टीना से ईमेल के माध्यम से संवाद करने का वादा करता है और टीना मस्ती, प्रेम और साथ ही उनके साथ जो बिजलती करती है। टीना इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा मस्ती करती है और विचलित होती है, जिम्मेदारी नहीं चाहती है और इसीलिए पूजा राज को लिखती है कि टीना को अपना वादा निभाने और राज को खुश करने में मदद करने के लिए अपने जो है नाम के बजाय ईमेल टीना पर जो है हस्ताक्षर करनी पड़ेगी, यानी कि अपना सिग्नेचर करती है और वर्षों से उनके ईमेल उन्हें जो है यानी कि करीब लाते हैं। और साथ ही 15 साल बाद जो है राज और साथ ही छुट्टियों के लिए भारत लौटता है तो अब तक जो है यानी कि वह उस लड़की से प्यार करता है जिसे वह लिख रहा है खत और साथ ही मानता है कि वह उसे जो है पहली नज़र में पहचान सकता है, ताकि वह जो है उसके आने से पहले ही यानी कि तस्वीरों का आदान प्रदान कर सके। जब टीना मिलते हैं तो राज पूजा के पीछे चला जाता है और उसे पहचानता नहीं है जैसा उसने कहा था, लेकिन टीना को पहचानता है और उसके साथ जो है धूम्रपान किया जा रहा है और साथ ही सोच रहा है कि उसने जो है उसे इतने सालों तक जो है लिखा है और वह जो है यानी कि इस बात पर ध्यान नहीं देता कि असली टीना उस टीना से बिल्कुल अलग है जिसे वह यानी कि ईमेल से जानता था। और टीना बाद में पूजा का परिचय कराती है, वह दोस्त बन जाते हैं और टीना इसी तथ्य से यानी कि उनके साथ जो अवगत होने के बावजूद कि वह यानी कि नहीं जानता है और जिससे राज वर्षों से बात कर रहा होता है ईमेल के जरिए और वह नहीं है कि जिसे वह वास्तव में प्यार करता है, राज की छेड़खानी का विरोध नहीं कर सकता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। उनके माता पिता यानी कि उनके साथ जो है सहर्ष सगाई की घोषणा करते हैं। दिल टूट गया, पूजा ने कभी भी रहस्य का खुलासा नहीं करने का फैसला किया। अब पूजा जो है चाहती है कि कभी भी यानी कि अपनी सच्चाई को नहीं बतलाए, लेकिन अंत में क्या होता है इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को पहले से देख लिया है तो इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं आप मुझे नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं। और आप अभी देख रहे हैं AK मूवी फैक्ट यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। अब राज लंदन से लौट आता है जहां पूजा एक जो है यानी कि स्वच्छता कार के लिए यात्रा करती है। राज पूजा को अपने जो है पसंदीदा चर्च में ले जाता है और वह जो है गलती से एक गीत की धुन जो है यानी कि गुनगुनाती है जिसे उसने जो है लगभग कई साल पहले उसे लिखा था। यह सुनकर जो है राज को तुरंत पता चल जाता है कि पूजा वही है जो उन सभी वर्षों से उसे खत लिख रही थी और उन सभी छोटी छोटी बातों को याद करता है जो उसने जो है ईमेल से यानी कि साझा की थी, जिसके बारे में वह जानती थी कि वह उसे बताती है कि वह जो है वही है जिसे वह वास्तव में प्यार करता है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। भारत में वापस टीना के पिता की मृत्यु हो जाती है। टीना को अकेला छोड़कर उनकी आखिरी इच्छा थी कि टीना राज से शादी करे और पूजा के माता पिता का कहना है कि वह टीना के माता पिता के रूप में सभी यानी कि रस्में निभाएंगे। यह देखकर टीना अब जो है अकेली हो जाती है, पूजा राज से शादी करने से इनकार कर देती है। राज इसके खिलाफ है और अपने माता पिता को सच बता देता है कि जिद करता है, लेकिन पूजा उसे रोक देती है। वह गुस्से में कसम खाता है कि वह टीना से तभी शादी करेगा जब पूजा उसी दिन किसी और से शादी करेगी। लंदन में रोहन वर्मा राज के दोस्त हैं जो हमेशा पूजा की ओर आकर्षित होते रहे हैं। जब परिवार राज और टीना की शादी कर लिए यानी कि राज और टीना की शादी के लिए लंदन जाते हैं तो पूजा राज के यानी कि अल्टीमेटम को पूरा करने और टीना की खुशी यानी कि सुनिश्चित करने के लिए रोहन से शादी करने के लिए
सहमत हो जाती है। शादी के दिन टीना को आखिरकार पता चल जाता है कि राज वास्तव में पूजा से प्यार करता है, क्योंकि वह देखती है कि राज के परिवार का शादी पुश्तैनी कंगन पूजा की कलाई के बजाय जो है उसकी कलाई के लिए फिट बैठा, यानी कि फिट किया गया था। और वह जो है यानी कि वेदी पर टीना ने राज और पूजा का सामना करते हुए कहा कि वह अकेली नहीं है और खुशी है कि वह जो है ऐसे महान दोस्त उसके लिए अपने प्यार का त्याग करने को तैयार है। और फिल्म पूजा और राज की शादी के साथ समाप्त हो जाती है और ये मूवी को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। आखिरकार पूजा और राज की इस मूवीज़ में शादी हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हुए हैं जो इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। फ्रेंड, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे मूवी कुणाल कोहली के निर्देशन में पहली फिल्म थी जिन्होंने इस फिल्म को पहली बार डायरेक्ट किए थे। और मीडिया ने बताया कि फिल्म 1996 की अमेरिकी कॉमेडी द थ्रूट अबाउट कैटॉस एंड डग्स पर आधारित मूवी थी, लेकिन कोहली ने समझाया कि इसका जो है एक दृश्य समान नहीं है और गलत पहचान से निपटने वाला एक ट्रैक मूवी है, लेकिन यह चीड़ नहीं है ऑफ, यानी कि इसे जो है यशराज फिल्म के बैनर के तले यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया मूवी था। और आदित्य चोपड़ा ने कोहली के साथ जो है कहानी और पटकथा का सह लेखन भी किया था। इस फिल्म के जितने भी संवाद कोहली ने लिखे थे और नील नितिन मुकेश से इस फिल्म के सहायक निर्देशन के रूप में इन्होंने इस मूवीज़ में काम किया है। मुखर्जी रोशन के रूप में इस फिल्म में काम की है। रानी मुखर्जी रोशन और करीना कपूर को मुख्य भूमिका में लिया गया था। यह मूवी यादें फिल्म 2001 और कभी खुशी कभी गम मूवी 2001 के बाद जो है यानी कि तीसरे सहयोग को चिन्हित करता है। रानी मुखर्जी पूजा सहानी के रूप में इस फिल्म में काम की है। उन्हें जो है से दोस्ती करोगे पर काम करने के लिए हर पल से प्यार था और फिल्म को उनके लिए साथी विशेष अधिकारी के रूप में वर्णित किया गया था। ऋतिक रोशन ने राज खन्ना का किरदार इस फिल्म में निभाया है, जिसकी तुलना उन्होंने कहो ना प्यार है मूवी सन 2000 के दशक में अपनी भूमिका से की थी। उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ अपने संबंधों की बात करते हुए दावा किया कि उनके साथ जो है काम करना एक खुशी थी और वह जो है बहुत ही पेशेवर और बहुत यानी कि मिलनसार और साथ ही जो है इनकी सहज है। जब वह सेट पर आती है तो वह सभी नकारात्मक को पीछे छोड़ देती है। Rediff.com द्वारा साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि मुझसे दोस्ती करोगे मूवी एक बहुत ही गहन और फिल्म थी और कहा कि उनके साथ जो है दूसरा भाग मेरे चरित्र राज की यानी कि तीव्रता से आगे बढ़ जाता है। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म एक प्रेम त्रिकोण की तुलना में तीन दोस्तों की कहानी को इस फिल्म में बतलाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये मैंने आप लोग को कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। इसी बीच करीना कपूर मस्ती करने वाली लड़की टीना कपूर की भूमिका निभाई है इस मूवी में। वह शुरू में फिल्म में अभिनय करने के लिए निश्चित थी क्योंकि वह मुखर्जी के बाद फिल्म की दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाएंगी। हालांकि द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कोहली और यश चोपड़ा ने उन्हें इसे जो है स्वीकार करने के लिए मना लिया। उन्होंने इस भूमिका को बहुत यानी कि ग्लैमरस और साथ ही विशिष्ट रूप से जो लोग मुझसे उम्मीद करेंगे के रूप में पाया और उनका मानना था कि उनके प्रशंसक विशेष रूप से पुरुष इसे जो है पसंद करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं एक हारे हुए की भूमिका निभाती हूँ फिर भी विजेता बनकर उभरती हूँ। यह एक अच्छी यानी कि नायिका नहीं है जिसे जो है नायक मिलता है और मेरी भूमिका में बेहतर गुंजाइश है कि मैं फिल्म का जीवन हूँ और अन्य ज़्यादातर यानी कि समय उदास रहते हैं और अपने परिचयात्मक दृश्य की तैयारी के लिए अभिनेत्री ने 3 या 4 दिनों तक जो है यानी कि कुछ नहीं खाया था। और यह जो है यानी कि अनसंगत रूप से रिपोर्ट किया गया था कि क्योंकि वह बहुत अच्छा दिखना चाहती थी क्योंकि इसमें जो है मेरे साथी जो है मिड रिफ को जागरूकता करना था।
मी दिलीप को यानी कि उजागर करना शामिल था। और इसके अलावा करीना कपूर ने स्वीकार किया कि उनका रूप जो है मुख्य प्राथमिक थी। 120 मिलियन के बजट में फिल्म को बनाया गया था। इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट कर तो 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बड़े बजट पर फिल्म को बनाया गया था। मुख्य फोटोग्राफी मूवी को रवि के चंद्रा और साथ ही गोपाल शाह ने संभाला था। फिल्म मंकन फिल्म सिटी लंदन और साथ ही स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में शूटिंग किए गए थे। और अहमद खान इस फिल्म के कोरियोग्राफर थे, जबकि मनीष मल्होत्रा और रॉकी स्टार जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। मूवी के अनुज माथुर ने जहां साथ ही यानी कि धोनी को डिजाइन किया है, वही जो है यानी कि उनके साथ जो यानी कि शर्मिष्ठा राय ने कला निर्देशक के रूप में काम किया है। फिल्म मंकन समाप्त होने के बाद मुझसे दोस्ती करोगे मूवी रितेश सोनी और बी कार्निक द्वारा जो है संपादित किया गया था। इस वीडियो में अभी हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को, और अभी आप देख रहे हैं एके मूवी फैक्ट यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है मैंने जितने मूवीज़ को रिव्यू किया है उस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में आप लोग को जरूर बतलाता है। अब हम बातें करेंगे इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रानी मुखर्जी मैम के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे ऋतिक रोशन के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग रानी मुखर्जी मैम के फ़ैन हैं और इनके मूवीज़ को आप देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को आप लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रानी मुखर्जी ने अपने कई सारे फिल्मों में अभिनय की है और इनके जन्म के बारे में हम बातें करें तो 21 मार्च 1978 में इनका जन्म हुआ था और इनका 43 साल की ये हो चुकी है और इनका शादी आदित्य चोपड़ा से हुआ है। इस वीडियो में हम आप लोगों को काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में बतलाएंगे। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। ये है रानी मुखर्जी, इनका जन्म 21 मार्च 1978 में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। वह 7 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसकों की प्राप्त करता है और उनकी कुछ भूमिकाओं को मीडिया में भारतीय महिलाओं के पिछले स्क्रीन चित्रणों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान के रूप में उद्धृत किया गया है। मुखर्जी ने 2000 के दशक की सबसे अधिक भुगतान वाली अभिनेत्रियों की सूची में जगह इनको मिली थी। हालांकि रानी मुखर्जी का जन्म मुखर्जी समर्थन परिवार में हुआ था, जिसमें जो है उनके माता पिता और साथ रिश्तेदार भारतीय फिल्म उद्योग के सदस्य रह चुके थे, लेकिन उनकी फिल्मी करियर बनाने की इच्छा नहीं थी और एक जो है यानी कि किशोरी के रूप में उन्होंने अपने पिता राम मुखर्जी की बंगाली भाषा की फिल्म यानी कि बी आर फुल और साथ ही सामाजिक नाटक राजा की आएगी बरात मूवी, दोनों ही फिल्म 1996 में अभिनय का इन्होंने शुरुआत किया। और रानी मुखर्जी को पहली जो है व्यावसायिक सफलता एक्शन फिल्म गुलाम मूवी से मिला जो 1998 में रिलीज हुआ था और सफलता कुछ होता है मूवी में इन्होंने काम किया और इस फिल्म से भी इनको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली थी। अब 1998 से मिली एक जो है यानी कि संक्षिप्त झटके के बाद जो है वर्ष 2002 में उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब उन्हें जो यशराज फिल्म धारा नाटक और साथ ही साथिया के स्टार के रूप में इनको लिया गया था। रानी मुखर्जी ने कई व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक फिल्मों में अभिनय करके खुद को जो है स्थापित किया है, जिनमें चलते चलते मूवी सन 2000 की मूवी शामिल थी और हम तुम मूवी 2004 में, बीर जरा 2004 और साथ ही कवि अलविदा ना कहना मूवी 2006 में और साथ ही क्राइम कॉमेडी बंटी और बबली फिल्म 2005 में शामिल है। उन्होंने राजनीतिक थ्रिलर युवा फिल्म 2004 में, नाटक ब्लैक फिल्म 2005 में और बहरी और अंथी महिला और महिला प्रधान फंटासी पहली फिल्म 2005 में एक राजस्थानी दुल्हन की भूमिका निभाने के लिए भी प्रशंसा प्राप्त की थी। और इसके बाद रानी मुखर्जी ने यशराज फिल्म के साथ कई सफलता फिल्मों में काम किया है और जिसके कारण जो है आलोचकों ने उनकी जो है पसंद की भूमिका ऊपर जो है शोक व्यक्त किया था और वह तब तक जो है यानी कि बदल गया था जब उन्होंने थ्रिलर नो वन और साथ ही किल जोशी का 2011 में एक मजबूत और साथ ही पत्रकार की भूमिका निभाई और थ्रिलर मूवी में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए और सफलता मिली। तलाश द आंसर लाइज फिल्म विद इन 2012 में रिलीज हुए थे और मर्दानी फिल्म 2014 में आई थी और इसके सीक्वल मर्दानी 2 फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था और कॉमेडी ड्रामा हिचकी फिल्म 2018 में बाद वाली उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज मूवी के रूप में उभरे थे। रानी मुखर्जी और साथ ही मानवीय कारणों से जुड़े हुए हैं और महिलाओं और साथ ही बच्चों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में मुखर है। उसने जो है यानी कि कंसर्ट टूर और साथ ही स्टेज शो में भाग लिया है और 2009 के रियलिटी शो डांस प्रीमियर लीग के लिए एक प्रतिभा न्यायाधीश के रूप में काम कर चुकी है।
और इनको न्यायाधीश के रूप में चित्रित किया गया है। रानी मुखर्जी ने फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा से शादी की है, जिनसे उनके एक बेटी है। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगी फिल्म को, जिसे 2002 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में आपको ऋतिक रोशन एंड करीना कपूर एंड इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने अभिनय की है। 2002 की ये मूवी है जिसे जो है फ्लॉप साबित किया गया है, लेकिन ये मूवी एक बेहतरीन व्यवसायी मूवी है और इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफी अननोन फैक्ट को बता रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोगों को पता है हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को, तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। रानी मुखर्जी ने सबसे पहले 1998 में इन्होंने विक्रम भट्ट की एक्शन फिल्म गुलाम में आमिर खान के साथ अभिनय किया था, जो उनकी पहली व्यावसायिक सफलता मूवी थी। हालांकि फिल्म में उनकी भूमिका छोटी थी, लेकिन आतिकिया खंडाला गीत ने उन्हें जो यानी कि सार्वजनिक पहचान दिलाई थी और रानी मुखर्जी की यानी कि कर्कश आवाज़ के कारण जो है भट्ट ने जो है उच्च ऐश्वर्य वाले किसी भी व्यक्ति को उनकी साथी पंक्तियों को ड्रॉप किया था। रानी मुखर्जी ने कहा है कि ऐसा इसीलिए गया था क्योंकि उनकी जो है आवाज चरित्र के अनुरूप नहीं थी और उसी वर्ष करण जौहर ने उन्हें अपनी पहली निर्देशक फिल्म कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान के साथ और काजोल के साथ जो है कास्ट किया था। यह भूमिका मूल रूप से ट्विंकल खन्ना के लिए लिखी गई थी, लेकिन जब उन्होंने और कई अन्य प्रमुख महिलाओं ने इसे जो है अस्वीकार कर दिया तो करण जौहर ने शाहरुख खान के साथ और फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा के आग्रह पर जो है रानी मुखर्जी को साइन कर लिया और उसने शाहरुख खान के चरित्र की प्रेम रुचि और बाद में पत्नी टीना की भूमिका इस फिल्म में निभाई, जो कि अपनी बेटी को जन्म देने के बाद मर जाती है। करण जौहर ने मूल रूप से मुखर्जी की आवाज़ को ड्रॉप करने का इरादा किया था, लेकिन उन्होंने अपने उच्चारण में सुधार किया और अंततः अपनी आवाज़ खुद दी थी। इस फिल्म के लिए इंडिया टुडे के लिए एक फिल्म समीक्षा करते हुए नंदिता चौधरी ने लिखा है कि यह मूवी खूबसूरत रानी मुखर्जी थी जो कि शो चुरा लेती थी और हर यानी कि पोर से जो है यानी कि ओफिंग वह जो है खुद को जो है यानी कि एक अभी नेत्री भी साबित करती है, जिसका जो है समय आ गया है और कुछ कुछ होता है मूवी में रानी मुखर्जी के लिए एक यानी कि सफलता साबित हुई थी और इसने 1.3 बिलियन से अधिक की कमाई किया। यूसी में कन्वर्ट कर दे तो 14 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो कि साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी थी और 8 यानी कि फिल्म फेयर इस फिल्म को मिले थे। 8 फिल्म फेयर इस फिल्म ने जीते, जिसमें जो है शामिल है रानी मुखर्जी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और इसके बाद उन्होंने साथी मेहंदी फिल्म में अभिनय किया, जिसे 1998 में रिलीज किया गया था और हेलो ब्रदर फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी। महत्वपूर्ण मूवी थी, व्यावसायिक सफलता मूवी था और साथ ही निराशाओं में भूमिकाएँ निभाई थी, जो कि उनके करियर को आगे बढ़ाने में ये मूवी विफल रही थी। सन 2001 में चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था। ऑडियो रिलीज पर रानी मुखर्जी 2000 तक जो है मुखर्जी मानक हिंदी फिल्म और साथ ही नायिकाओं के रूप में टाइप कास्टिंग से जो है बचना चाहते थे और इसी तरह उन्होंने कट्टर साथी ग्लैमर्स लीड के अलावा और अधिक चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने का फैसला किया था। बाद और साथी बिच्छू में दो पुरुष केंद्रीय एक्शन ड्रामा दोनों बॉबी देओल के साथ अभिनीत उन्होंने ऐसी भूमिकाएं निभाई जिन्हें जो है आलोचकों से बहुत कम प्रशंसा मिली और कमल हसन की त्रिभाषी फिल्म है राम में सहायक भूमिका अधिक जो है यानी कि फायदेमंद साबित हुई। फिल्म जो है साथी जो है महात्मा गांधी की हत्या का एक आंशिक रूप से काल्पनिक मूवी थी और विवरण था और रानी मुखर्जी ने एक बंगाली स्कूल शिक्षक की भूमिका निभाई थी, जिसका जो है यानी कि कलकत्ता में साथ संप्रदायी का दंगों के दौरान जो है बलात्कार और साथ ही हत्या कर दी जाती है और अब तक केवल जो है यानी कि ग्लैमर्स भूमिकाएं निभाने के बाद जो है उन्हें जो है यानी कि हसन के और साथ यथार्थवाद पर जो है यानी कि जोर देने और उनके साथ जो है बिना मेकअप के पर्दे पर आने के लिए चुनौती दी गई थी। उनका मानना था कि अनुभव ने अभिनय के प्रति जो है उनके दृष्टिकोण को बदल दिया था। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं रानी मुखर्जी की फिल्म को, इस फिल्म का नाम है मुझसे दोस्ती करोगे और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं।
साथ ही पुरस्कृति फिल्म जो है महात्मा गांधी की हत्या का एक आंशिक रूप से काल्पनिक विवरण था और रानी मुखर्जी ने एक बंगाली स्कूल शिक्षक की भूमिका इस फिल्म में निभाई थी जिसका कलकत्ता में साथ ही सांप्रदायिक दंगों के दौरान बलात्कार हो जाता है और हत्या कर दी जाती है। अब तक जो है केवल ग्लैमरस भूमिकाएं निभाने के बाद उन्हें जो है हसन के साथ यानी कि यथार्थवाद पर जोर देने और बिना यानी कि मेकअप के पर्दे पर आने के लिए चुनौती दी गई थी और उनका मानना था कि अनुभव ने अभिनय के प्रति जो उनके दृष्टिकोण को बदल दिया है और हेर राम के विवादास्पद यानी कि विजय के कारण बॉक्स ऑफिस में खराब कमाई हुई थी। लेकिन इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा काफ़ी हद तक सराहा गया था और ऑस्कर में भारत की यानी कि आधिकारिक जो है प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। रोमांटिक कॉमेडी हथकरघी आपने इस फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था और कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म में अभिनय करने के बाद रानी मुखर्जी ने सलमान खान और साथ ही प्रीति जिंटा के साथ जो है रोमांटिक कॉमेडी हर दिल जो प्यार करेगा इस फिल्म में इन्होंने अभिनय किया जिसने जो है उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन दिलाया था। स्क्रीन से साथ ही जो है यानी कि पद्मा राज नायर ने पाया कि उनकी भूमिका खुद को जो है साबित करने के लिए उनके लिए बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी दृश्य दिए गए हैं उनमें से वह जो है काफ़ी पर्याप्त है। रानी मुखर्जी की 2001 की पहली फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके मुंबई अंदर धारा फिल्म के यानी कि वित्र पोषण पर जो है विवाद के बाद रिलीज हुई थी जिसमें जो है कुछ महीनों की देरी हुई थी। साथ ही सरोगेसी पर आधारित इस फिल्म में सलमान खान और प्रीति जिंटा के साथ जो है उनके दूसरे सहयोग को चिन्हित किया गया था और फिल्म समीक्षक सुकन्या वर्मा ने रानी मुखर्जी को इसे जो है ऐसी भूमिका के साथ जो है यानी कि ब्लैंकेट पाया है जो कि उन्हें ज़्यादा और साथ ही गुंजाइश नहीं देती है और प्रीति जिंटा की मामूली भूमिका को प्राथमिकता दी गई थी और बस यानी कि इतना सा ख्वाब है और साथ ही नायक द रियल हीरो में जो कि फिल्मों और साथ ही नाटकीय रूप से व्यापक दर्शकों को हासिल करने में विफल रही थी। रानी मुखर्जी ने क्रमोस और साथ ही अभिषेक बच्चन और अनिल कपूर की प्रेम भूमिका निभाई थी। बाद की फिल्म की समीक्षा में Rediff.com की साथी सरिता तनवर ने शोक व्यक्त किया कि उनके पास कुछ यानी कि भव्य रूप से चित्रित गीतों का साथी हिस्सा होने के अलावा बहुत कम यानी कि करने के लिए था और मिंड के एक यानी कि लेख में संक्षेप में बताया गया है कि कुछ कुछ होता है मूवी बाद उनकी अधिकांश भूमिका यानी कि असंगत थी। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे इस फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम अभी बातें कर रानी मुखर्जी मैम के बारे में। आप लोगों को पता है मैं जिस मूवी को रिव्यू करता हूँ उस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में और उस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आप लोग को जरूर बताता हूँ। रानी मुखर्जी ने 2002 यशराज की फिल्म के साथ जो है सहयोग करना शुरू किया जब कंपनी ने उन्हें जो है हाई प्रोफाइल प्रस्तुतियों में कास्ट किया और मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी सह अभिनेत्री ऋतिक रोशन और करीना कपूर और साथ ही तमिल रोमांस और साथ ही अलैप्पा यूथे की रिमेक मूवी थी। पूर्ण ने बॉक्स ऑफिस पर जो है खराब प्रदर्शन किया था जैसा कि गोविंदा के साथ उनके दो सहयोग पर जो है यानी कि प्यार और प्यार दीवाना होता है मूवी और चलो इश्क लड़ाए ये मूवी जो है यानी कि रोमांटिक ड्रामा साथिया। हालांकि उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब साबित हुआ जब उन्हें जो है यानी कि उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड इनको मिला और सात अली ने उन्हें एक मेडिकल छात्रा की भूमिका में कास्ट किया था जो कि कम उम्र में शादी करने की परेशानी और साथ ही असंतोष से जो है निपटना है जो कि उसने जो है अपने अंदर पाई गई और साथ ही व्यक्ता के लिए किया गया था। पहले तो उन्होंने इसी प्रस्ताव को ठुकरा दिया था क्योंकि उन्हें एक सफल फिल्म का रीमेक बनाना पसंद नहीं था, लेकिन फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा द्वारा इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए राजी हो गई थी। इसमें उन्होंने साथ ही विवेक ओबरॉय के साथ जो है अभिनय किया जिनके साथ उन्हें जो है काम करने में मज़ा नहीं आया था। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो है रवैया परेशान करने वाला था और साथ ही एक व्यावसायिक सफलता मूवी के रूप में उभरी थी और BBC ने लिखा है कि मुखर्जी ने
एक माध्यम वर्ग की लड़की का किरदार बड़े विश्वास के साझे निभाया है और मिड डे की उदिता झुंझुनवाला ने कहा कि उनके भाव और साथी अभिनय को एक ऐसी भूमिका में काम करने यानी कि आंका जाता है जो कि उन्हें दस्ताने की तरह फिट बैठता है। 2003 में अब इन्होंने इनकी कौन सी मूवी रिलीज हुई इसके बारे में अब हम बात करते हैं। सन 2003 में रानी मुखर्जी के करियर के सबसे सफल दौर की शुरुआत थी। उन्होंने अजीज मिर्जा की रोमांस चलते चलते फिल्म में शाहरुख खान के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए ऐश्वर्या राय की जगह ले ली। मीडिया रिपोर्ट ने साथ ही सुझाव दिया कि फिल्म के सेट पर जो है अपने और साथ ही तत्कालीन प्रेमी सलमान खान के साथ जो है विवाद के बाद ऐश्वर्या राय को बदल दिया गया था, लेकिन शाहरुख खान ने जोर देकर कहा कि रानी मुखर्जी इस भूमिका के लिए मूल पसंद थी और मुखर्जी का मानना था कि चलते चलते मूवी का विषय जो एक यानी कि विवाहित जोड़े के बीच जो है गलतफहमी से बढ़ता है साथिया के समान था और उन्होंने उन्हें एक अलग और साथी पृष्ठभूमि के खिलाफ जो है रखकर भूमिका में साथी जो है यानी कि बीबी दत्ता लाने की कोशिश की थी। उसने कहा कि शाहरुख खान के साथ जो है काम करना उसके लिए सीखने का अनुभव था और अगर वह जो है यानी कि पर्याप्त प्रदर्शन करती है तो वह यानी कि अक्सर उसे जो है यानी कि डांटता था। एक व्यावसायिक सफलता मूवी थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे जो है रानी मुखर्जी के करियर में वापस के रूप में श्रेय दिया था और उन्हें जो है फिल्म फेयर में दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के साथ जो है पुरस्कार यानी कि पुरस्कृत किया था और उनकी वर्ष की किसी भी यानी कि अन्य रिलीज मूवी चोरी चोरी और साथी कोलकाता में मेल और साथी यानी कि LOC कारगिल ने कोई भी छाप नहीं छोड़ी थी। चलते चलते मूवी 2003 की एक सफलता फिल्म है जिसे 2003 में रिलीज किया गया था। चलते चलते फिल्म के लिए 50वें फिल्मफेयर पुरस्कार में रानी मुखर्जी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री दोनों ही पुरस्कार जीते थे। एक ही वर्ष में दोनों पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र अभिनेत्री बन गई थी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जो है मणिरत्नम की युवा 2004 के लिए था जो कि कलाकारों की एक यानी कि समग्र फिल्म थी जिसमें जो है समाज के विभिन्न तबके के 3 युवा थे जिनका जीवन एक कार दुर्घटना से टकरा जाता है और रानी मुखर्जी को एक गरीब बंगाली गृहिणी के रूप में इस फिल्म में लिया गया था जिसे उनके पति एक स्थानीय गुंडे और अभिषेक बच्चन द्वारा जो यानी कि दुर्व्यवहार किया जाता है और इसमें जो है यानी कि बचपन से ही दुर्व्यवहार किया जाता है। वह जो है अपने घर की मदद पर जो है अपनी भूमिका पर आधारित मूवी थी और जिन्हें उनके यानी कि पतियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था और उनकी शारीरिक भाषा और बोलने की शैली को जो है देखा गया था। तरण आदर्श ने लिखा कि प्रमुख और महिलाओं में यह रानी मुखर्जी है जो कि बहुत से सर्वश्रेष्ठ है और भूमिका ने एक यानी कि साथ ही सरग भीड़ और अभिनेत्री की मांग की थी और रानी उम्मीदों पर खरा उतरी थी। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और कुणाल कोहली की हम तुम फिल्म 2004 में उनकी अभिनीत भूमिका दो और जिद्दी यानी कि व्यक्तियों के बारे में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो अपने जीवन के विभिन्न चरणों में मिलती है और फिल्म ने उन्हें जो है सैफ अली खान के साथ खड़ा किया था और वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता मूवी में से एक साबित हुई थी। द हिंदू ने मुखर्जी के रिया प्रकाश के चित्रण को अत्यधिक यानी कि आत्मविश्वास से सक्षम पाया था। रेडिट.com के यानी कि तन्मय कुमार नंदा ने लिखा कि रानी मुखर्जी उसकी सामान्य रूप से यानी कि एक त्रित अवसाती स्वयं है जो कि गिरगिट की आसानी से अपने चरित्र के कई रंगों में बदल लेती है। यह सफलता तब जारी रही जब यश चोपड़ा ने उन्हें अपने पीरियड रोमांटिक ड्रामा बीड़ जरा मूवी 2004 में कास्ट किया था। भारत पाकिस्तान संबंधों की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट यह मूवी टाइटेनिक के स्टार और साथ ही प्रेमी शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के बारे में है। मूल रूप से एक यानी आदमी के लिए लिखे गए एक यानी कि भाग में रानी मुखर्जी ने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई थी जो कि दंपति की मदद करने की कोशिश करता है और साथ ही 940 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। इस फिल्म ने USA में इन पैसों को कन्वर्ट कर दे तो 12 मिलियन की कमाई की थी और विश्वव्यापी कमाई के साथ जो है बीड़ जरा वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरा था।
बाद में इसे साथ ही जो है बर्लिन और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। वैरायटी की ड्रेक एली ने रानी मुखर्जी के साथ ही जो है चुपचाप जो है और साथ ही गरिमा पूर्ण प्रदर्शन पर ध्यान दिया था और बीबीसी ने कहा कि वह अपने अभिनय के लिए जो है प्रशंसा की थी और पात्रा है अपनी जो है आंखों से अभिनय करना और संवाद का उपयोग न करना एक कला है और एक के लिए रानी मुखर्जी ने इसे जो है सिद्ध किया है और साथ ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए उनके साथ जो आईफा पुरस्कार जीता और फिल्म फेयर ने सभी श्रेणी में नामांकन प्राप्त किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक्सप्लेन किया जाता है। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को जिसे 2002 में रिलीज किया गया था और इस मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को वीडियो बता रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। 2005 में आउटलुक पत्रिका ने प्रकाशित किया कि रानी मुखर्जी ने समकालीन हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्री के रूप में खुद को स्थापित किया था। उसी वर्ष उनकी पहली फिल्म भूमिका संजय लीला भंसाली की ब्लैक में अमिताभ बच्चन के साथ थी, जो एक शराबी व्यक्ति के बारे में एक नाटक मूवी था जो एक अंधी और बहरी लड़की को संवाद करने का तरीका सीखने के लिए अपना जीवन साथी समर्पित कर देता है। भंसाली ने विशेष रूप से रानी मुखर्जी के लिए अंधी बधी लड़की का हिस्सा लिखा जो कि शुरू में अपने चुनौतीपूर्ण और साथी विषय के कारण भूमिका निभाने से हिचकिचा रही थी। एक बार जब भंसाली ने उन पर जो है अपना विश्वास लागू कर दिया तो वह जो है मान गई और मुंबई के हेलेन केलर और साथी संस्थान में पेशेवर के साथ जो है यानी कि संकेतिक भाषा का अध्ययन शुरू कर दिया था। ब्लैक ने 2 राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 11 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित जो है कई पुरस्कार जीते थे और साथ ही जो है यानी कि रिचर्ड और साथ ही कर्लिस ऑफ द टाइम्स ने इसे जो है वार्षिक और साथ ही 5वीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया था। साथ ही एम्पायर पत्रिका ने रानी मुखर्जी के प्रदर्शन को आश्चर्यजनक कहा था और फिल्म फेयर ने उनके काम को भारतीय सिनेमा के 80 सबसे प्रतिष्ठित और साथ ही प्रदर्शन की सूची में शामिल किया था और लिखा कि रानी मुखर्जी ने इसी भूमिका के साथ जो है एक अमीर छाप छोड़ता है जो आम तौर पर जीवन में एक बार आती है और सबसे वह फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की क्रिटिक्स और साथ ही ट्रॉफियां दोनों ही जीतने वाली एकमात्र अभिनेत्री बनी। रानी मुखर्जी को बंटी और बबली फिल्म में देखा गया। अभिषेक बच्चन के साथ उनके काम के लिए फिल्म फेयर में दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला जिसने जो है यशराज फिल्म के साथ उनके 5वें सहयोग को चिन्हित किया था और उन्होंने एक चोर महिला बबली का शीर्षक चरित्र इस फिल्म में निभाया था। यह फिल्म 2005 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। आउटलुक की नम्रता जोशी ने लिखा है कि वह जो है आसानी से उनके साथ जो है इनकी गैलरी आसानी से गैलरी में खेलती है और रानी मुखर्जी ने अमोल पालेकर की फंटासी फिल्म पहेली में अभिनय की थी और इसका जो है यानी कि अनुसरण किया गया था। इसमें जो है उन्हें शाहरुख खान के साथ फिर से जोड़ा गया था। यह फिल्म भारत में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी लेकिन इसे एक यानी कि मजबूत अंतर्राष्ट्रीय रिलीज दी गई थी और इसे जो है कि सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था और 79वें अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारत की ओर से प्रस्तुत इस मूवीज को किया गया था। Rediff.com के राजा सेन फिल्म के साथ साथ जो है रानी मुखर्जी के प्रदर्शन से प्रभावित हुए थे जिसे जो है उन्होंने एक और पूरी तरह से निभाई गई भूमिका थी और कहा कि रानी मुखर्जी को वर्ष की अंतिम रिलीज मूवी पीरियड फिल्म मंगल पांडे द साथ ही राइजिंग मूवी थी। साथ ही टाइटेनिक और साथ ही सैनिक के बारे में ये फिल्म थी। निर्देशक केतन मेहता ने शुरुआत में एक जो है कैमियो उपस्थिति के लिए उनसे जो है संपर्क किया था। इसे जो है फिल्म में अभिनय करने के लिए उनकी साथी जो है इनकी सहमति देने के बाद जो है एक बड़े हिस्से में विकसित किया गया था। उनकी भूमिका हीरा की थी और एक यानी कि वैसा जो पांडे यानी कि आमिर खान की प्रेम रुचि जो है
बन जाती है। ड्रेक एली ने उल्लेख किया है कि एक छोटी सी भूमिका के बावजूद भी रानी मुखर्जी ने उनकी सबसे यानी कि आकर्षक यानी कि नौच लड़की इस फिल्म में नजर आई थी। दोस्तों मंगल पांडे मूवी एक बेहतरीन सफलता फिल्म थी और इस फिल्म को काफी पुरानी कहानी को लेकर मूवीज को बनाया गया था। मंगल पांडे को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये मूवी आपको यूट्यूब पे उपलब्ध है और यूट्यूब पे आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हैं। रानी मुखर्जी ने अगली बार नायर से अंग्रेजी फिल्म द साथी नेमसेक में अभिनय करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बजाय कभी अलविदा ना कहना फिल्म में अभिनय किया, जो 2006 में करण जौहर के साथ फिर से काम करने का विकल्प इन्होंने चुना, जो यानी कि बेवफाई के बारे में एक नाटक मूवी थी। शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा के साथ एक बार फिर से इन्होंने काम किया था और उन्हें जो है एक दुखी विवाहित महिला की भूमिका इस फिल्म में मिली थी, जिसका एक विवाहित पुरुष के साथ संबंध हो जाता है और अपनी भूमिका के साथ जो यानी कि विभाजनकारी पुरातकृति पर टिप्पणी करते हुए रानी मुखर्जी ने कहा कि इसने जो है प्रेम और शादी विवाह के बारे में उनकी अपनी धारणा को बदल दिया है। कभी अलविदा न कहना मूवी एक लोकप्रियता रिलीज मूवी थी जिसने जो है 1.13 बिलियन से अधिक की कमाई किया था। USA में कन्वर्ट कर दे तो 15 मिलियन से अधिक की कमाई की और उस समय तक की विदेशों में सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन के ये मूवी उभरी। राजीव मंसौद ने लिखा है कि लगातार यानी कि सक्षम रानी मुखर्जी फिल्म की सबसे कठिन भूमिका निभाती है और एक ऐसा हिस्सा जिसके साथ जो है सहानुभूति रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वह इसे जो है यानी कि कोमलता और साथ ही विश्वास के साथ जो है इंजेक्ट करती है। लेकिन इंडिया टुडे की कावेरी और साथ ही बनर्जी ने इसे अपनी एक और भूमिका के साथ जो है रानी मुखर्जी को खारिज कर दिया और भूमिकाओं के लिए बहुत अधिक यानी कि रोने और साथ ही बहादुरी से मुस्कुराने की कला की यानी कि आवश्यकता होती है और इसने जो है रानी मुखर्जी को लगातार तीसरी बार जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आईफा पुरस्कार और फिल्म फेयर में छठा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन प्राप्त किया गया था। खराब रूप से प्राप्त यानी कि मेलोड्रामा बाबुल उसी वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज मूवी थी। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। फ्रेंड आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कार में रानी मुखर्जी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री दोनों ही पुरस्कार जीते। एक ही वर्ष में दोनों पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र अभिनेत्री बन गई। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मनी रत्नम की युवा 2004 के लिए था, जो कि कलाकारों की एक जो है समग्र फिल्म थी जिसमें जो है समाज के विभिन्न तबके के 3 युवा शामिल थे। दोस्तों इस वीडियो में हम रानी मुखर्जी की बायोग्राफी को बतला रहे हैं। अगर आप इनके फैन हैं, इनके मूवीज को आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को बतला रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। बाबुल फिल्म की सफलता के बाद यशराज फिल्म ने रानी मुखर्जी को सिद्धार्थ आनंद के पारिवारिक नाटक तारारंपम फिल्म में एक रेसिंग और साथ ही ड्राइवर सैफ अली खान की पत्नी दो बच्चों की माँ की भूमिका में कास्ट किया था। वह पहली बार एक माँ की भूमिका निभाने के लिए उत्साहित थी और उसने जो है अपने चरित्र को अपनी मां के अनुरूप ढाल लिया था। 2007 में रिलीज हुई यह फिल्म एक बेहतरीन सफलता मूवी थी, लेकिन समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मूवीज को मिली और खालिद मोहम्मद ने रानी मुखर्जी के प्रदर्शन की लगभग जो है यानी कि निर्दोष के रूप में प्रशंसा की थी। लेकिन राजीव मंसौद ने सोचा कि न तो वह और न ही खान अधिक जो है प्रभाव डालने में सक्षम है और क्योंकि उनके चरित्र इतने एक यानी कि अयामी और उबाऊ है नाटक और लगा चुनरी में दाग निर्देशक से जो है यानी कि प्रदर्शित और साथ ही उनके साथ जो है यानी कि सरकार ने रानी मुखर्जी को एक युवा महिला के रूप में अभिनय किया था जिसे अपने परिवार के लिए एक यानी कि वेश्या के रूप में चांदनी के लिए मजबूर किया जाता है। उनके चित्रण ने उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन दिलाया था
लेकिन फिल्म की आलोचनात्मक और साथ ही बेटा रिटर्न खराब थी। और द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने उल्लेख किया कि रानी मुखर्जी फिल्म को एक साथ जो है रखने के लिए जिम्मेदार थी और भले ही उनके हिस्से में दोनों में यानी कि सरलता और साथ ही विशेष के रूप में ताजगी हो। साथ ही कैमरे से दूर दिख रही रानी मुखर्जी दिल यानी कि बोले हड़प्पा फिल्म के प्रचार कार्यक्रम में रानी मुखर्जी ने 2009 में रानी मुखर्जी ने एक बार फिर जो है संजय लीला भंसाली के साथ ही शौर्य फिल्म में एक वैश्य की भूमिका निभाई जो कि फयोडोर और साथ ही उनके साथ जो है दोस्तों वस्ती की उनके साथ व्हाइट और नाइट्स का एक रूपांतरण मूवी था जिसमें रणबीर कपूर ने अभिनय किया था। रणबीर कपूर और सोनम कपूर सह कलाकार थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके धारा जो है निभाई जाने वाली लगातार व्यवसाय एक दूसरे से अलग थी और संवरिया में एक को अपने पेशे से कोई भी यानी कि सामान्य नहीं थी। 3 वर्षों में उनकी एकमात्र रिलीज यानी कि यशराज फिल्म धारा निर्मित नहीं थी और यह एक हॉलीवुड स्टूडियो सोनी पिक्चर धारा निर्मित पहली भारतीय फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही और आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली थी। रानी मुखर्जी के प्रदर्शन जिसे जो है द न्यूज पार्क और साथ ही उनके साथ जो यॉर्क टाइम के एलो और स्कॉट ने दिव्या के रूप में वर्णित किया था उन्हें जो है उसी वर्ष सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरा फिल्म फेयर नामांकन दिलाया था। 2007 के अंत तक जो है रानी मुखर्जी की लोकप्रियता कम होने लगी थी और Rediff.com ने इसके लिए अभिनेताओं के एक ही यानी कि सेट के साथ जो है उनकी निरस और साथ ही जोड़ी को जिम्मेदार ठहराया था। हिंदुस्तान टाइम ने प्रकाशित किया कि वह एक अन्य यश राज मूवी की नायिका बन गई थी जिसने जो है अन्य फिल्म निर्माताओं को उसके पास जो है आने से रोक दिया था। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताया जाता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। इस फिल्म को 2002 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। इस फिल्म को 120 मिलियन बजट में बनाया गया था और मूवी ने दुनिया भर में 336 करोड़ से अधिक की कमाई किया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कुणाल कोहली सर और इस फिल्म की कहानी लिख के आदित्य चोपड़ा एंड कुणाल कोहली ने मिलकर मूवीज़ की कहानी को लिखे थे और फिल्म के प्रोड्यूसर थे यश चोपड़ा। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बातें करें तो ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी, करीना कपूर ने इस फिल्म में अभिनय किए थे। फिल्म को यशराज बैनर के तहत बनाया गया था और आप लोगों को पता है यशराज बैनर के तहत जिस फिल्म को बनाया जाता है वो फिल्म आपको यूरोप में देखने को नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करूँगी फिल्म को तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से इस मूवी को हम इंग्लिश में रिव्यू करते हैं। मुझसे दोस्ती करूँगी मूवी विल बी Boy My Friend In 2002, the Indian language coming of the age romantic film directed by Kunal Kohli and produced by Yash Chopra for his The Banner, Yash movie film. It is the star Hrithik Roshan, Rani Mukherjee and Kareena Kapoor based on the movie 1996 American comedy The Truth About Cats is the Dog. The film following the love triangle of the and three friends Raj Khanna, Roshan Pooja, Sahani Mukherjee and the Tina Kapoor, Kareena Kapoor. The movie is the very सक्सेसफुल मूवी इन मुझसे दोस्ती करोगे मूवी मार्केट द डायरेक्टोरियल डिबाउट ऑफ द कोहली हु अल्सो द एंड वरुण द एंड स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी विद आदित्य चोपड़ा द फिल्म द एंड सिनेमाटोग्राफर वॉज द एंड ज्वाइंटली एंड हैंडल बाय द रवि के चंद्रन एंड द गोपाल शाह विल द राहुल शर्मा एंड सर्वेस एंड द एंड कंपोजर मेड ऑन द बजट 120 मिलियन एंड यूसे कन्वर्ट टू द 1.6 मिलियन मुझसे दोस्ती करोगे वॉज द रिलीज ऑन 9 अगस्त 2002 इट इज द एंड फैलेट टू द एंड अट्रैक्ट एंड audience the and grossing 336.1 million in USA convert to the 4.5 million and received the mixed review from the critics for the and pro एंड एन पाटूराल करीना कपूर वॉज द नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन द 4th आईफा अवार्ड द ओनली एन नॉमिनेशन फॉर द फिल्म
पूजा राज एंड टीना आर द एंड चिल दूध फ्रेंड द एंड विल राज हैज द ऑलवेज बीन द अटैक टू द टीना ही द इज वॉज द एंड अनअवेयर ऑफ द पूजा इज लव फॉर हिम द एंड राज इज द फादर एंड डिसाइड टू द मूव टू द लंदन विथ हिज द एंड फैमिली फॉर द वर्क बिफोर द एंड लिविंग राज मेकेस टीना एंड प्रो मिसिज टू द एंड कम्युनिकेटेड विथ हिम द भी इन द मेल टीना एंड द फोन द एंड लिविंग एंड डिस्ट्रू एंड डिस्ट्रिक्टेड डोंट वॉन्ट द एंड रिस्पॉन्स वेली सू द पूजा वेट टू द एंड राज द एंड सिंगिंग थेट द ईमेल एंड टीना द इंस्टेड ऑफ वर द एंड अवन नेम टू द हेल्प टीना की फेयर द एंड प्रो मिसिस एंड द मेक राज हैप्पी ओवर थीन एंड यर्स थेट द ईमेल एंड ब्रिंग टॉम द एंड क्लोज आफ्टर क्लोज द एंड 15 ईयर्स लेटर राज रिटर्न टू द इंडिया फॉर द एंड वैक्सीन बाय द नाउ ही इज द एंड लव विथ इज द गर्ल ही has been in return to end the end believes he the can and recognize here the in front the end first sight to the end the don't exchange the photographer before his the end arrival When they meet the Raj the Wilk and post puja not the recognize here as the end said he the end world but the end recognize Tina and become in the summit and with here the end thinking see the world him all the end to see yours he endos not the and no see the end real Tina is the completely different from the end Tina he the crow from the end email Tina later the introduction puja and the end become Frentina and despite the being where the of the infected the end not one in who rather has been the entertaining for the years and not be one he the end really love the cannot the end reset rather the end flirting and falls in love with him the end third the end present the end gladly and announced the end as a end the engagement the heartbroken puja decide to the never end this cruising the end sacred raj return to the london where the puja and travel for and the interview raj taken puja to his the end favorite church and see the end accidentally hum the end tune of this song he the end worried the end here about and money Hear about the many years ago the end hirani this the end instantly the end realized the puja is the one who had been and waiting to the him all to see and years and remember all the and little and thing he the end shared in the email tells the end seek now about he the tells here see it is the one the end totally love and the two end decide to the get married back in India Tina is the father decide the end leaving Tina all along which is the end last in the wish was Tina tell the end world Mary and world Mary Raj and Puja the end pray in the parents see the third the will the end perform all the end ritual the Tina the parents and seen third the Tina and allowed now the Puja and refuse to the Mary Raj the end against the end inside the end telling his the end parents third the end about the Puja stop him the end angry views to the end only Mary Tina if the Puja and married the end Simeon also in the same day in the London and Rohan Verma in friend of the Raj who has the always been the attack to the Puja when the end female the travel to London for Raj and Tina is the marriage Puja and agree to the marry and Rohan to the NST5 the Raj in ultimate end in short Tina in the in happiness one day of the end marriage Tina and finally realized is the end really in love with the Puja has the seat at the end family and answer the end a bracelet the was the end 15 for the Puja and where is the end retired in the hair at the end alter Tina in comfort Raj in the Puja and saying that she is the not along in the goal to the have so the and great friend will to the and 30 and the sacrifice here the love for the end film and with the Puja and Raj getting in marriage Mujhse Dosti Karogu movie market Kunal Kohli hit the end direct told about the media reported that the film was the end based on the 1996 American comedy the truth about cat and dog with the end Kohli explained that not one skin from it is the same three and take the end dealing with the end mistaken the identity but is the entry of the end was the producer by Yash Chopra under the banner of Yash Raj film
एंड द आदित्य चोपड़ा को वरुट द एन स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले विद द कोहली द एन अलॉन्ग वॉज द एंड वेटन बाय द कोहली एंड नेल द नितिन मुकेश एंड सर्वेट द एन असिस्टेंट डायरेक्टर रानी मुखर्जी एंड रोशन एंड करीना कपूर वेयर द कास्ट एंड द लीड रोल एंड मार्केट द लेटर हु इज द थर्ड द एन कोलैबोरेशन आफ्टर द एन याद मूवी 2001 एंड कभी खुशी कभी गम मूवी 2001 द एंड रानी मुखर्जी एंड पूजा सहानी एंड सेट द सी एंड लव इट द एंड एवरी मोमेंट ऑफ द एंड वर्किंग ऑन द मुझसे दोस्ती करोगी मूवी एंड Described the film as the end privately for the end Roshan the end Patu Rayal and Raj Khanna or part the end compare with the his the end role in the Kahona Pyar Hai movie 2000 he the end spoke of the end report with the end Rani Mukherjee climbing thread the was and the end pleasure working with the hair she is the very personal very friendly and the end easy youngly see the end level all the end negative the behind he the she and commerce on the end said the interview at the boy by rodip.com he the said that the mujhse dosti karoge was the very the intense the film the end adding the end second help the end pro played the end forward by the end intensely of the end my character Raj he the end father stated the end final more the end about three the friend then the love the end triangle and Manvil the Kareena Kapoor featured in the role of the film and loving girl and Tina Kapoor see the end intently and reculturing to the star in the film the because see the world be played the film and second female lead after Rani Mukherjee however the second to the second in the ek reading the time of the India Kohli and Yash Chopra and on Wednesday the and except the she the and found the role the and very and allow more the and typical of the what the people and will be expect of the men in the beloved threat here the fans and especially male the world like it is the she noted the I play a laser and loser yet the and emerge and win this the and not good the and good heroine who the gets in the hero my role he the and better the scope I am thin the and life of the theme film though and other character are the and said most of the time to the end prepare for here the end interviews the and scan the and actors did not the end for three or four days the and hit the end in question the end reported as the SC wanted to the and look the end grated the involvement expensive my and the modify the end more over the Kareena Kapoor and consolidated the and here the Lucas where the end man and prototype made on the in big budget the 120 million on the movie budget and you say convert to the 1.6 million the principal photographer was the and handled by the Ravi K. Chandran and Gopal Shah the filming the look place the and film city London and other place the in Switzerland and United Kingdom and Ahmed Khan was the choreographer will the and Manish Malhotra and Rocky star were the and costume designer will the and Anuj Mathur and designing the and sound the and Sharmita Roy and Sorbet the and directory after the and filming the ended Mujhse Dosti Karoge was the edited by the Ritesh Soni and the Vikram. The film sounded for the Mujhse Dosti Karoge was the composed by the and debut Rahul Sharma he the accepted the offer in April 2001 when he the was on in the and cancelled and in the contract the and tour with the and father the and Shiv Kumar Sharma Rahul Sharma described is the sounded is the young and fresh the and adding the and about the urban young people so then the music had to be and romantic and Swapped he the used the and Santur float in the orchestra and continue the 60 and volunteered for the and background score in the later years he told the and the Hindu theater the and composite the film is the sounded was the and great and learning the experience the and lyrics the where in waiting the and Anand Bakshi with the and facial the pro and performance the by the Alisa Chennai Alka Yagni
आशा भोसले, लता मंगेशकर, उदित नारायण एंड सोनू निगम दी एंड साउंडेड एल्बम द वॉस रिलीज ऑन 12 जुलाई 2002 बाय द सारे गामा पा इन अकॉर्डिंग टू द फिल्म एंड ट्राई टू द वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया विद द अराउंड 1.2 मिलियन यूनिट्स सोल्ड द एंड साउंडेड बिकम द एंड इलेवन द हाइगेस्ट सेलिंग म्यूजिक द एल्बम ऑफ द ईयर द साउंडेड गोट द मिक्सड द एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्रिटिक्स द एंड नरेंद्र कुमार ऑफ द एंड मीट डे द एंड कलेक्ट बाय द एंड हो मेबल एंड वरुद राहुल एंड कर्सुला स्टाइल इज द एंड यूज फॉर द एंड यूज ऑफ द एंड ग्वेटर इन इंटरेस्टिंग एंड द इन इनोवेटेड द एंड कर्सर हाउएवर फेल द इन सोम सॉन्ग द एंड हैव द एंड टाइपिकल यश चोपड़ा बैनर इन अ फ्लावर थे द एंड बिकम रियली एंड रिपीटेबल एंड द एंड Back knowledge of the late in the review the and published in the entertainment and part of the Bollywood hangama in Joginder Tutija believed the and Sharma and don't the and support job and the churning out the and number of the and melodies in the one of the single package the and the Hindu and liberated the title song is the and quit and humble with the and quit the Quiet beat of the end western turn the end system I said the Indian this the song is the unlikely to hit the end character the end return the end legend medley of the end version Hindi song from the old and new film the instated the film is the expected from the Mujhse Dosti Karoge one of the most the end anticipated the film of the year and where high is the three in film was the Kohli and debut is the film director it is the opened on 9 August 2002 and the end consequently and emerged as the end comical the failure the film was the released on 290 screen the end across the Indian and grossed the 11.6 million and USA convert to the 150,000 won the end opening day and collected the 211 million and USA convert to 2.8 million in the India and 2.6 million overseas the box office India and estimated the film and total gross to be and 336.1 million and USA convert to the 4.5 million and the end calculated is the final comical performance with the end verdict of the flop the film the world and television the premiere and opening on 7 November 2002 the G Cinema Award and the DVD version was the released on the 11 November 2003 in the single disc the and pack the was the and available for the streaming on the Amazon Prime Video on 8 March 2017 Mujhse Dosti Karoge movie opened to the mixed review the critics were the and appear in the operative of the and latest the and criticized the end predictable plot the end waiting for the Bollywood hangama turn others give the film was the end rating of the one star the nothing threat the end clearly and belong to the Rani Mukherjee when the has the end maintains role the end comparatively he the end believed that the Rani Mukherjee was the end and the support in the role threat the end first the end had the like the globe but about the end thought the Kareena Kapoor was the end relegated the end the background the completely it is the end tune the end help the star review the end Subhas Ke Jha and South at the end Kohli and tried hard to the end bring the and Avan Tadu and Yash Chopra and is cured the end unbinds the end Drake Ely of the end variety sat the Kapoor and Lord Chili and reprise here the end prime rate the end Bimbo from the Kabhi Khushi Kabhi Gum movie 2001 and the prize the Roshan for the end preview the smart mover the end good the end dance lead and the dance talent the end Manish Gajjar of the BBC shared the end is Smladi the thug of the Kapoor hit the Tina and looks the end rebasing the beautiful and the switch the great flair for the end comedy in this the film and althou Thidi and audience will be in remind of where the Pooja character from the end his the end Kabhi Khushi Kabhi Gum movie and outlook the end magazine and Namrata Joshi who the rated the end film one star and Dick rated the end available she was the end critical of the end Roshan who the she and demand the end make a support the end probe in the parody of the himself the Shuknia Verma and opened the first time director car and the Kohli is the impressive he the keep the and take the grip of the plot and display keen the and attention to the screen
स्क्रीन प्ले एवरी करेक्टर इन द फिल्म द एंड विल द एंड डिफेंड एंड साउंड द फिल्म एंड मूवी टू द एंड ब्रेक द पेस एंड द एंड ऑडियंस नॉट द एंड लेफ्ट द एंड पियन पॉइंट द एंड लूफेल द एंड मधुर द मुखर्जी ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड क्लाइमेट द रानी मुखर्जी स्कोर द ऑलमोस्ट फुल द एंड मार्क फॉर द हेयर एंड मार्क फॉर द हेयर द हॉट द एंड रेडिंग परफॉर्मेंस विद द एंड एम्पायर उमर अहमद एंड द अपडेटेड द हेयर फॉर द सेव द फिल्म खालिद मोहम्मद एंड ऑफ सर्विट द कपूर ऑफ द काशी इज द एंड रिलेबर द एस प्राई एंड द एंड सोनसी बर्ड शोल टेकन एंड द टेक केयर नॉट द एंड रिपेंट हेयर द एंड होटली एंड टू सी द हेल्प द एंड स्पाइट द एंटायर पैक एंड रामाचंद्र फ्रॉम द मिड डे वन वरुद द एंड रोशन एंड हेड द एंड डिलेवरी एंड फी ब्लोज द फॉर्मोमेंस एंड द एंड डिस्क्राइब हिज द पार्ट एंड द एंड इमोशन पावरेड रोल फ्रॉम द एंड रानी मुखर्जी एंड द एंड एस प्रोडक्टली एंड इंटरेस्ट द फ्रॉम करीना कपूर एंड स्टार्टेड द एंड हाईलाइट था द कुणाल हिज द एंड हैंडलर सोम द स्क्रीन द विद द एंड सेंसिटिव द एंड मेटरली फिल्म द एंड मनी ओदर द विच गिव द एंड फीलिंग विद द इन द मूवीज। दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे मूवी की रिव्यू और इस वीडियो में हम इस मूवी की काफ़ी अनसुने फैक्ट को बतला रहे हैं। तो इस वीडियो की कुछ अंतिम बातों को बतला कि मैं इस वीडियो से अब आप लोग से विदा लेना चाहता हूं। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म कोहली ने निर्देशित की थी और इनकी शुरुआती फिल्म है। जिन्होंने आदित्य चोपड़ा के साथ जो पटकथा लिखी थी और कहानी का सह लेखन भी किया था। इस फिल्म की छायांकन को संयुक्त रूप से जो है यानी कि रवि के चंद्रन और साथ ही गोपाल शाह ने संभाला था, जबकि राहुल शर्मा ने संगीतकार के रूप में जो है काम किया था। 120 मिलियन बजट पे इस फिल्म को बनाया गया था और ये मूवी काफ़ी बेहतरीन कमाई की थी और 9 अगस्त 2002 को इस फिल्म को जारी किया गया था सिनेमाघरों में और इस मूवी को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। यह दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहा था, जबकि इस फिल्म ने 336.1 मिलियन से अधिक की कमाई किया था और इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 4.5 मिलियन की कमाई इसने की थी और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा इस फिल्म को मिली हुई है और उनके चित्रण के लिए करीना कपूर को चौथे इफ्फा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था, जो कि इस फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था। इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बातें करें तो पूजा राज और टीना बचपन में दोस्त रहते हैं, जबकि राज हमेशा टीना के प्रति आकर्षित रहा है। वह पूजा के प्यार से अनजान रहता है। राज के पिता काम के लिए अपने परिवार के साथ लंदन जाने का फैसला करते हैं। जाने से पहले राज टीना से ईमेल के माध्यम से संवाद करने का वादा करता है। टीना मस्ती प्रेमी और साथ ही मस्ती प्रेम और विचलित लड़की है, जो कि जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं चाहती है। इसीलिए पूजा राज को लिखती है कि टीना को अपना वादा निभाने और राज को खुश करने में मदद करने के लिए अपने नाम के बजाय जो है ईमेल टीना पर हस्ताक्षर करती रहेगी और वर्षों से उनके ईमेल उन्हें जो है यानी कि करीब जो है लाते हैं। और साथ ही 15 साल बाद जो है राज छुट्टियों के लिए भारत लौटता है तो वह जो है अब बड़ी हो चुकी है और बड़ी लड़की से प्यार करता है, जिसे वह जो है लिख रहा है और मानता है कि वह उसे पहली नज़र में पहचान सकता है, ताकि वह जो है उसके आने से पहले ही यानी कि तस्वीरों का आदान प्रदान कर सके। जब तीनों मिलते हैं तो राज पूजा के पीछे चला जाता है और उसे पहचान नहीं पाता है, जैसा उसने कहा था कि, लेकिन टीना को पहचानता है और उसके साथ जो है इनकी धूम्रपान किया जा रहा है और सोच रही है कि उसने जो है उसे इतने सालों तक लिखा ईमेल पे और इसी बात पर ध्यान नहीं देता कि असली टीना उस टीना से बिल्कुल अलग है जिसे वह ईमेल से जानता था। और टीना बाद में पूजा का परिचय कराती है और वह दोस्त बन जाते हैं। टीना इसी तथ्य से यानी कि उनके जो अवगत होने के बावजूद कि वह यानी कि नहीं है और जिससे जो है राज वर्षों से बात कर रहा है और वह नहीं जानती कि जिससे वह यानी कि वास्तव में प्यार करता है, राज की छेड़खानी का विरोध नहीं कर सकता था और वह उसके साथ जो है प्यार में पड़ जाता है और उनके माता पिता सहर्ष यानी कि सगाई की उनके साथ जो है यानी कि घोषणा कर देते हैं और इनका दिल टूट जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बतला रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बतलाया जाता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और इस मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक
रिकमेंडिंग फैक्ट को बता रहे हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को कुणाल कोहली के निर्देशन में पहली फिल्म थी। मीडिया ने बताया कि इस फिल्म में 1996 की अमेरिकी कॉमेडी द थ्रूट बाउट एंड कैटर्स एंड डांस फिल्म पर आधारित मूवी थी, लेकिन कोहली ने समझाया कि इसका एक दृश्य समान नहीं है, गलत पहचान से निपटने वाला एक ट्रैक मूवी है, लेकिन यह चीर नहीं सकता है। इसे जो है यशराज फिल्म के बैनर के तले चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है और आदित्य चोपड़ा ने कोहली के साथ कहानी और पटकथा का सह लेखन किया था। संवाद कोहली ने लिखा था और नील नितिन ने मुकेश ने सहायक निर्देशक के रूप में इस फिल्म में काम किया था। मुखर्जी रोशन और करीना कपूर को मुख्य भूमिका में इस फिल्म में लिया गया था। यह जो है यादें फिल्म 2001 और कभी खुशी कभी गम फिल्म 2001 के बाद जो है यानी कि तीसरी सहयोग था इनका और रानी मुखर्जी पूजा सहानी के रूप में इस फिल्म में काम की है। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म पर काम करने फिल्म में काम करने के हर पल जो है यानी कि प्यारे थे और फिल्म को उनके लिए जो है कि विशेष अधिकारी के रूप में वर्णित किया गया था। ऋतिक रोशन ने राज खन्ना का किरदार इस फिल्म में निभाया है, जिसकी तुलना उन्हें जो है कहोना प्यार है मूवी से उन्होंने किया था अपनी भूमिका से की थी और उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ अपने संबंधों की बात करते हुए दावा किया कि उनके साथ जो है काम करना एक यानी कि खुशी थी और वह बहुत ही यानी कि पेशेवर बहुत यानी कि मिलनसार है और इस फिल्म में सहज दिखती है। जब वह सेट पर आती है तो वह सभी नकारात्मक बातों को पीछे छोड़ देती है और Rediff.com धारा जो है साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि मुझसे दोस्ती करोगे मूवी एक बहुत ही गहन फिल्म थी और कहा कि दूसरा भाग मेरे चरित्र राज की साथी तीव्रता से आगे बढ़ जाता है। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म एक प्रेम त्रिकोण की तुलना में तीन दोस्तों के बारे में है। इसी बीच करीना कपूर मस्ती करने वाली लड़की टीना की भूमिका इस फिल्म में निभाई है। वह शुरू में फिल्म में अभिनय करने के लिए अनिच्छुक थी क्योंकि वह मुखर्जी के बाद फिल्म की दूसरी महिला थी और प्रधान भूमिका निभाएंगी, इसीलिए ये जो है इस फिल्म को करने से इनकार कर रही थी, लेकिन किसी भी तरह आदित्य चोपड़ा ने इनको मना लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार वह जो है कोहली और यश चोपड़ा ने उन्हें इसे जो है स्वीकार करने के लिए मना लिया। उन्होंने इस भूमिका को बहुत यानी कि ग्लैमरस और साथ ही विशिष्ट रूप से पाया था और मुझसे उम्मीद करने के रूप में पाया था। उनका मानना था कि उनके प्रशंसक जो है विशेष रूप से साथ ही पुरुष इसे जो है पसंद करेंगे और उन्होंने कहा मैं एक यानी कि हारे हुए भूमिका निभाती हूँ फिर भी विजेता बनकर उभरती हूँ। यह एक अच्छी नायिका नहीं है जिसे जो है नायक मिलता है और मेरी भूमिकाओं में बेहतर जो है यानी कि गुंजाइश है। मैं फिल्म का जीवन हूँ और अन्य यानी कि पात्र और साथी ज़्यादातर जो है समय जो है उदास रहे हैं और अपने परिचयात्मक दृश्य की तैयारी के लिए अभिनेत्री ने तीन या चार दिनों तक जो है कुछ भी नहीं खाया और साथ ही असंगत रूप से जो रिपोर्ट किया गया था क्योंकि वह बहुत अच्छा दिखना चाहती थी क्योंकि इसमें जो है मेरे और साथ में मीट ड्रॉफ को जो है यानी कि उजागर करना शामिल था और इसके अलावा करीना कपूर ने स्वीकार किया कि उनका रूप मुख्य प्राथमिकते था। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और इस मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कुणाल कोहली सर और इस फिल्म की कहानी कुणाल कोहली सर और आदित्य चोपड़ा ने मिलकर लिखे हुए। फिल्म को प्रोड्यूस किए यश चोपड़ा सर। मूवी के मुख्य स्टार कास्ट है ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी, करीना कपूर और इस फिल्म को 9 अगस्त 2002 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हमने बतलाया है जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस फिल्म को 120 मिलियन बजट में बनाया गया था और मूवी ने दुनिया भर में 336.1 मिलियन से अधिक की कमाई किया। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करें मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को जिसे 2002 में रिलीज किया गया था। ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट पर हम बात करते हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन, करीना कपूर एंड उनके साथ इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने अभिनय की थी। दोस्तों ये मूवी 2002 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला मूवी है। अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर पर हम बात करते हो कुणाल कोहली सर ने फिल्म को डायरेक्ट किए थे और फिल्म की कहानी भी कुणाल कोहली सर ने लिखे थे। फिल्म को सिनेमाघरों में 9 अगस्त 2002 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी डब में
या फिर अगर आप लोग इसे YouTube पर देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए इस मूवीज़ की हिस्टोरी के बारे में हम जानते हैं, फिल्म में किस तरह की कहानी को बताया गया है। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म की कहानी अच्छी हो और कहानी में ट्विस्ट हो तो मूवी को देखने का मजा ही कुछ और होता है। और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को, जिसे यशराज मूवीज़ ने बनाया है। आपको बता दें, यशराज मूवीज़ के बैनर के तहत जिस फिल्म को बनाया जाता है वो फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। आपको बता दें, इस फिल्म के अंदर पूजा राज और टीना बचपन के दोस्त हैं, जबकि राज हमेशा टीना के प्रति आकर्षित रहा है। फिल्म के अंदर वह पूजा के प्यार से अनजान है और राज के पिता काम के लिए अपने परिवार के साथ लंदन जाने का फैसला करते हैं। लंदन जाने से पहले राज टीना से मिलता है और ईमेल के जरिए बातचीत करता है। जब वहाँ पे चला जाता है तो ईमेल के माध्यम से संवाद करने का वादा करता है। टीना मस्ती में प्रेम और साथी बीच लिए जो है जिम्मेदारी नहीं चाहती है, इसीलिए पूजा राज को लिखती है और टीना को अपना वादा निभाने और राज को खुश करने में मदद करने के लिए अपने नाम के बजाय टीना ईमेल पर हस्ताक्षर करती है। वर्षों से उनके ईमेल उन्हें जो है करीब लाता गया है। पहले उनके साथ जो है 15 साल बाद राज जो है छुट्टियों के लिए भारत लौटता है, तो अब तक वह उस यानी कि लड़की से प्यार करता है जिसे वह लिख रहा है खत और मानता है कि वह उसे पहली नज़र में पहचान सकता है, ताकि वह उसके आने से पहले ही यानी कि तस्वीरों का आनंद प्रदान कर सके। कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब टीना उसे मिलती है। जब तीनों मिलते हैं, राजू पूजा के पीछे चला जाता है, उसे पहचान नहीं पाता है जैसा उसने कहा था, लेकिन टीना को पहचानता है। उसके साथ धूम्रपान किया जा रहा है और सोच रहा है कि उसने उसे इतने सालों में लिखा खत, और वह इस बात पर ध्यान नहीं देती है कि असली टीना उसी टीना से बिल्कुल अलग है जिसे वह ईमेल से जानता था। टीना बाद में पूजा का परिचय कराती है और वह दोस्त बन जाते हैं आपस में। टीना इसी तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि वह नहीं चाहती है कि जिससे राज वर्षों से बात कर रहा है वह और वह नहीं है जिसे वह वास्तव में प्यार करता है, राज की छेड़खानी का विरोध नहीं किया जाता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। उनके माता पिता सहर्ष यानी कि सगाई की घोषणा कर देते हैं और इनका दिल टूट जाता है और कभी यानी कि रहस्य का खुलासा नहीं किया जाता है। और राज लंदन वापस लौटता है जहां पूजा एक हस्ताक्षर के लिए यात्रा करती है। राज पूजा को अपने पसंदीदा चर्च में ले जाता है और वह गलती से एक गीत की धुन गुनगुनाती है जिसे उसने लगभग कई साल पहले उसे लिखा था। यह सुनकर राज को तुरंत पता चल जाता है कि पूजा वही है जो उन सभी वर्षों से उसे लिख रहा तखत, और वह उन सभी से छोटी छोटी बातों को याद करता है जो उसने जो है ईमेल में साझा की थी, जिसके बारे में वह जानती थी। वह उसे बताती है कि वह वही है जिससे वह वास्तव में प्यार करता है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन भारत में वापस टीना के पिता की मृत्यु हो जाती है। टीना को अकेला छोड़कर उनकी आखिरी इच्छा थी कि टीना राज से शादी करे, और पूजा के माता पिता का कहना है कि वह टीना के माता पिता के रूप में सभी जो है इनकी रस्में निभाएंगे। और यह देखकर कि टीना अब अकेली पड़ गई है और पूजा राज से शादी करने से इनकार कर देता है। आपको बता दें, राज इसके खिलाफ है और अपने माता पिता को सच बताने की जिद करता है, लेकिन पूजा उसे रोक देती है। वह गुस्से में कसम खाता है और वह टीना से तभी शादी करेगा जो पूजा उसी दिन किसी और से शादी करेगी। ऋतिक रोशन का ये कहना है फिल्म के अंदर। तो दोस्तों फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ज़रूर इस फिल्म को देखना चाहिए। ये मूवी अभी आपको Amazon प्राइम वीडियो में देखने को मिलता है। दोस्तों आपको बता दें, ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे से उम्मीद वर्ष की सबसे यानी कि बहुत प्रतीक्षित फिल्म से एक ऊंच थे, और क्योंकि यह फिल्म कोहली की एक फिल्म निर्देशक के रूप में पहली फिल्म थी। आपको बता दें, यह फिल्म 9 अगस्त 2002 को खुला और इसके विपरीत एक व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरा था। फिल्म को पूरे भारत में 290 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था और इसने अपने शुरुआती दिन में 11.6 मिलियन की कमाई किया था, यानी कि यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 15,000 कमाई की थी, और इसने भारत में 211 मिलियन कमाई किया था एंड यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 2.8 मिलियन और विदेशों में 2.6 मिलियन का संग्रह किया। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की कुल कमाई 336.1 मिलियन बताया है, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 4.4 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया, और फ्लॉप के रूप में इस फिल्म को फैसला किया गया, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप के साथ अपने अंतिम व्यावसायिक प्रदर्शन का सम्मान किया है।
समापन किया और फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 7 नवंबर 2002 को जी सिनेमा पर हुआ और जबकि इसका डीवीडी संस्करण 11 नवंबर 2003 को सिंगल डिस्क पैक में जारी किया गया था। यह फिल्म 8 मार्च 2017 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है। आपको बता दें मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म मिश्रित समीक्षाओं के लिए खोला गया है। आलोचकों ने लीड की सराहना की है लेकिन इसके साथ ही पूर्वानुमानित जो है कथानक की आलोचना भी की गई। बॉलीवुड हंगामा के लिए लेखन अदर्स ने फिल्म को 1 स्टार की रेटिंग दिया है और यह देखते हुए कि यह यानी कि स्पष्ट रूप से रानी मुखर्जी की मूवी है जिनकी जो है यानी कि तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक भूमिका इस फिल्म में रखी गई है और उनका मानना था कि रानी मुखर्जी एक भूमिका में शानदार प्रदर्शन करती थी जो कि उन्हें एक दोस्तों की तरह फिट बैठता था फिल्म के अंदर, लेकिन उनका मानना था कि करीना कपूर को पूरी तरह से पृष्ठभूमि से हटा दिया गया था। 2.5 सितारा समीक्षा में सुभाष के झा ने इस फिल्म के बारे में लिखा है, कोहली यश यानी कि चोपड़ा यश चोपड़ा एस क्यू और साथ ही माहौल में अपने जो है समय के स्पर्श को लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं फिल्म के अंदर। और वैरायटी के ड्रेक एली ने कहा है कि करीना कपूर ने कभी खुशी कभी गम फिल्म 2001 से बड़े पैमाने पर अपने लाडले बिंबों को फिर से जो है इनके आश्चर्यचकित किया और रोशन की एक जो है इनके स्मार्ट प्रेमी और अच्छी नृत्य प्रतिभा करने के लिए प्रशंसा की। आपको बता दें बीबीसी के मनीष गज्जर ने कपूर के समान विचार साझा किए और टीना के रूप में बेहद जो इनकी खूबसूरत दिखती है और इसी फिल्म में कॉमेडी के लिए बहुत अच्छी यानी कि फ्लेयर दिखती है मूवीज के अंदर। और हालांकि दर्शकों को हिट फिल्म कभी खुशी कभी गम से उनसे जो है यानी कि पूरे चरित्र की याद दिलाती है। दोस्तों आपको बता दें वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। आपको बता दें इस फिल्म के बारे में आउटलुक पत्रिका की नम्रता जोशी ने, जिन्होंने फिल्म को 1 सितारा रेटिंग दी थी और इससे साथ ही यानी कि परिहार्य घोषित किया गया और वह रोशन की आलोचना करती थी जिसे जो खुद की एक जो है यानी कि घटिया पैरोडी बनाती है। आपको बता दें समझती थी कि सुकन्या वर्मा ने कहा है कि पहली बार के निर्देशक कोहली प्रभावशाली दिखते हैं और वह कथानक की कड़ी जो है पकड़ रखते हैं फिल्म के अंदर और पटकथा पर गहरा ध्यान भी देते हैं। फिल्म का हर जो है चरित्र अच्छी तरह से परिभाषित की गई है और ध्वनि है कि फिल्म जो है तेज गति से चलती है और दर्शक जो है इनकी खामियों को दूर करने के लिए नहीं छोड़ा गया है। आपको बता टाइम्स ऑफ इंडिया की माधुरीता मुखर्जी ने दावा किया है कि मुखर्जी ने अपने दिल दहला देने वाले प्रदर्शन के लिए लगभग जो है पूरे अंक हासिल किए और साथ ही एम्पायर के ऊपर अहमद ने फिल्म को सेव करने के लिए उनकी सराहना की है काओ में लिया गया था। यह फिल्म यादों मूवी यानी कि यादें फिल्म 2001 और कभी खुशी कभी गम फिल्म 2001 के बाद के दो के तीसरे सहयोग के चिन्हित किया है। रानी मुखर्जी एंड पूजा सहानी के रूप में इस फिल्म में काम की है। उन्हें जो है मुझसे दोस्ती करोगे पर काम करने के लिए हर पल से जो है प्यार था और फिल्म को उनके लिए जो है इनकी विशेष अधिकारी के रूप में वर्णित किया गया था। ऋतिक रोशन इस फिल्म में राज खन्ना के किरदार में नजर आए हैं जिसकी तुलना उन्होंने कहो ना प्यार है मूवी 2000 के दशक में अपनी भूमिका से की थी। उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ अपने जो है संबंधों की बात करते हुए दावा किया है कि उनके साथ जो है काम करना एक खुशी थी। वह बहुत ही यानी कि पेशेवर और बहुत यानी कि मिलनसार है और सहज है। बता दें दोस्तों जब वह सेट पर आते हैं तो वह सभी जो है नकारात्मकता को पीछे छोड़ देती है। फिल्म के बारे में Rediff.com धारा जो है साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म एक बहुत ही यानी कि गहन फिल्म थी और कहा दूसरा भाग मेरे चरित्र राज की तीव्रता से आगे बढ़ जाता है। और उन्होंने आगे कहा कि फिल्म एक प्रेम त्रिकोण की तुलना में 3 दोस्तों के बारे में फिल्म को बनाया गया है। तो दोस्तों ये फिल्म 2002 की मूवी है जो YouTube पर से हटा दिया गया है। इस फिल्म को आप Amazon Prime Video में जाके देख सकते हो। दोस्तों इस फिल्म को Amazon Prime Video में रखा गया है क्योंकि इस फिल्म से जो है बहुत ज़्यादा पैसे अभी भी कमाना चाहते हैं फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि फिल्म के जिसने इस फिल्म को बनाया है वो नहीं चाहते कि इस फिल्म को हम YouTube पे रखें। तो दोस्तों इस मूवी को हम YouTube पे अपलोड नहीं कर सकते, ये मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। तो चलिए दोस्तों फिर से इस मूवीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो इसी बीच करीना कपूर मस्ती
मस्ती करने वाली लड़की टीना कपूर की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई है। वह शुरू में फिल्म में अभिनय करने के लिए अनिच्छुक थी और फिल्म में काम करने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि वह मुखर्जी के बाद फिल्म की दूसरी महिला प्रधान थी। इसी भूमिका निभाने के लिए वह जो है, हालांकि द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कोहली और यश चोपड़ा ने उन्हें इसे जो है स्वीकार करने के लिए मना लिया था। उन्होंने इस भूमिका को बहुत जो है ग्लैमरस एंड साथ ही विशिष्ट रूप से जो है, जो यानी कि लोग मुझसे उम्मीद करेंगे के रूप में जो है पाया, और उनका मानना था कि उनके प्रशंसक जो है इनकी विशेष रूप से पुरुष इसे जो है पसंद करेंगे। बता दें दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं एक हारे हुए यानी कि व्यक्ति की भूमिका निभाती हूँ, फिर भी जो है विजेता बनकर उभरती हूँ। यह एक अच्छी कहानी है और एक अच्छी जो है नायिका की पहचान है जिसे जो है नायक मिलता है। मेरी भूमिका में बेहतर जो है गुंजाइश है और मैं फिल्म का जीवन हूँ। अन्य पात्र यानी कि ज़्यादातर जो है समय उदास रहते हैं। बता दें दोस्तों, अपने जो है इनकी परिचयात्मक और शादी दृश्य की तैयारी के लिए अभिनेत्री ने 3 या 4 दिनों तक जो है कुछ भी नहीं खाया। यह जो है इनकी असंगत रूप से जो है इनकी रिपोर्ट किया गया था, क्योंकि वह जो है बहुत अच्छा दिखना चाहती थी फिल्म के अंदर, क्योंकि इसमें जो है मेरे इन साथी मिडरिफ को उजागर करना शामिल था। और इसके अलावा करीना कपूर ने स्वीकार किया कि उनका रूप जो मुख्य प्राथमिक था। बता दें दोस्तों, 120 मिलियन अधिक के बजट में फिल्म को बनाया गया था और फिल्म ने दुनिया भर में अच्छी कमाई नहीं की थी, फिर भी आजकल फिल्म जो है काफी ज्यादा कमाई कर लिया है। फिल्म को 1.6 मिलियन के बड़े बजट में निर्मित किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी का संचालन जो है रवि के चंद्रन एन, उनके साथ जो है गोपाल शाह ने किया था। फिल्मांकन फिल्म सिटी लंदन और साथ ही जो है स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम दोनों में अन्य स्थानों पर हुआ था। इस फिल्म में अहमद खान कोरियोग्राफ थे, जबकि जो है मनीष मल्होत्रा और रॉकी स्टारर जो है उनके साथ जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। अनुज माथुर ने जहां धोनी को डिजाइन किया था, वहीं जो है यानी कि शर्मिष्ठ रॉय ने कला निर्देशक के रूप में काम किया। फिल्म मांकन जो है समाप्त होने के बाद मुझसे दोस्ती करोगे रितेश सोनी और बी जो है यानी कर्नल धारा जो संपादित किया गया था। तो दोस्तों बता दें, फिल्म को रिलीज किया गया था 2002 में और ये फिल्म 2002 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की रिव्यू कर रहे हैं, तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं क्रिटिक्स ने इस फिल्म को कितना रिस्पॉन्स दिया है। दोस्तों, अगर आप लोग इस फिल्म को देख चुके हो तो आप मुझे बता सकते हो इस फिल्म को आप लोग कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो। बात करें फिल्म के बारे में, तो मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म उम्मीदें वर्ष की सबसे जो है इनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म में से एक है। उचते क्योंकि यह फिल्म जो है इनकी कोहली के एक फिल्म निर्देशक के रूप में पहली फिल्म थी। यह मूवी 9 अगस्त 2002 को खुला और इसके जो है विपरीत जो है एक व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरा। फिल्म को पूरे भारत में 290 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इसने अपने जो है शुरुआती दिन में 11.6 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। बता दें दोस्तों, ये फिल्म यूएसए में 150,000 की कमाई की थी और इसने भारत में 211 मिलियन से अधिक की कमाई किया था और यूएसए में 2.8 मिलियन हो गया है और विदेशों में फिल्म ने 2.6 मिलियन का संग्रह किया। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की कुल कमाई जो है 336.1 मिलियन बताया है और ये फिल्म जो है यूएसए में कन्वर्ट कर 4.4 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है और फ्लॉप के फैसले के साथ जो है अपने अंतिम व्यावसायिक प्रदर्शन का समापन किया गया है। फिल्म का विश्व जो है टेलीविजन एनसाथी प्रीमियर 7 नवंबर 2002 को जी सिनेमा पर हुआ था, जबकि इसका जो है डीवीडी संस्करण जो है 11 नवंबर 2003 को जो है सिंगल डिस्क पैक में जारी किया गया था। ये मूवी 8 मार्च 2017 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है। बता दें दोस्तों, मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म जो है मिश्रित समीक्षाओं के लिए खोला गया और आलोचकों ने लेट की सराहना की, लेकिन इसके जो है इनकी पूर्वानुमानित जो है कथानक की आलोचना भी की गई। बॉलीवुड हंगामा के लिए लेखन तरुण आदर्श ने फिल्म को 1 स्टार की रेटिंग दी और यह देखते हुए कि यह स्पष्ट रूप से रानी मुखर्जी की फिल्म है जिनकी जो है तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक जो है इनकी भूमिका है और उनका मानना था कि रानी मुखर्जी एक भूमिका में शानदार थी जो उन्हें जो है यानी कि एक दस्ताने की तरह फिट बैठता था, लेकिन उनका मानना था कि करीना कपूर को पूरी तरह से यानी कि पृष्ठभूमि से हटा दिया गया था। और 2.5 सितारा समीक्षा में सुभाष के झा ने देखा कि कोहली यश के साथ जो है चोपड़ा एंड साथी जो है इस क्यू माहौल में
अपने स्वयं के साथियों के स्पर्श को लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। और वैरायटी के ड्रेक एली ने कहा कि कपूर ने कभी खुशी कभी गम फिल्म 2001 से जो है बड़े पैमाने पर अपने जो है कि लाडले बिम्बो को फिर से जो है कि आश्चर्यचकित कर दिया है। और साथ ही जो है कि रोशन ऋतिक रोशन की एक जो है कि स्मार्ट प्रेमी और अच्छी जो है नृत्य प्रतिभा साबित करने के लिए प्रशंसा की। और साथ ही बीबीसी के मनीष गज्जर ने कपूर के समान जो है विचार साझा किए और टीना के रूप में बेहद जो है खूबसूरत दिखाई देते हैं और इस फिल्म में जो है कॉमेडी के लिए बहुत अच्छी और साथ ही फ्लेयर दिखते हैं। हालांकि दर्शकों को हिट फिल्म जो है कभी खुशी कभी गम से उनके पू और साथ ही चरित्र की याद दिलाते हैं। तो दोस्तों फिल्म को 2002 में रिलीज किया गया था और कभी खुशी कभी गम फिल्म 2001 में आया था और इस फिल्म के सभी स्टारकास्ट इस फिल्म में दिखलाई दिए हैं। करीना कपूर और रानी मुखर्जी एन इस फिल्म में ऋतिक रोशन को लिया गया था और यश राज फिल्म के बैनर के तहत फिल्म को बनाया गया है। दोस्तों बता दें यश राज मूवीज़ के बैनर के तहत बनने वाली कोई भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। फिल्म के बारे में हम बात कर तो आउटलुक जो है पत्रिका की नम्रता जोशी ने फिल्म को एक जो है सितारे रेटिंग दी और इसे जो है साथ ही परिहार्य घोषित किया। वह ऋतिक रोशन की आलोचना करती थी जिसे वह खुद की एक जो है इनकी घटिया एंड साथ ही पैरोडी बनाती है। समझती थी कि सुकन्या वर्मा ने कहा कि पहली बार के निर्देशक कोहली प्रभावशाली है। वह कथानक की कड़ी जो है पकड़ रखते हैं फिल्म के अंदर और पटकथा पर गहरा ध्यान देते हैं। फिल्म का हर जो है चरित्र अच्छी तरह से परिभाषित और साथ ही जो है ध्वनि है। फिल्म तेज गति से चलती है और साथ ही दर्शक जो है खामियों को दूर करने के लिए नहीं छोड़ दिया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की माधुरीता मुखर्जी ने दावा किया है कि रानी मुखर्जी ने अपने दिल दहला देने वाले प्रदर्शन के लिए लगभग पूरे अंक तक जो है इनकी हासिल कर दिए हैं। और एम्पायर के उमर जो है अहमद ने फिल्म को सेव करने के लिए उनकी जो है सराहना की है। खालिद मोहम्मद ने कपूर के बारे में कहा, कलाकारों में से एक वह जो है इनकी मजबूती से चंचल और साथी चतुर है, लेकिन अगर उसे जो है इनकी टाइप कास्टिंग से बचाना चाहते हैं तो उसे जो है इनकी अपने और साथी पवित्रता पूर्ण जो है इनकी कीर्ति को दोहराने के लिए ध्यान नहीं रखना चाहिए। मिड डे से इसके साथ जो है रामचंद्रन ने लिखा है कि ऋतिक रोशन ने एक जो है शानदार प्रदर्शन दिया था और अपने हिस्से को जो है रानी मुखर्जी के भावनाओं से साथ ही संचालित भूमिका और करीना कपूर से जो है कि छिटपुट रूप से जो है कि तीव्र और साथ ही अभिमन्य और साथ ही अभिनय के रूप में वर्णित किया है। स्टार डॉस ने प्रशंसा की है। हालांकि इस फिल्म में कुणाल ने कुल जो है दृश्यों के साथ जो है संवेदनशीलता और साथ ही परिपक्वता के साथ जो है संभाला है, लेकिन वह कई जो है इनके अन्य दृश्यों में विफल हो जाते हैं जो कि देजा बू की भावना देते हैं फिल्म के अंदर। तो दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को हम बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में कि इस फिल्म की कहानी कैसी है। तो दोस्तों बता दें फिल्म में प्रेम त्रिकोण को दिखलाया गया क्योंकि तीन अभिनेता फिल्म के अंदर शामिल है, ऋतिक रोशन, करीना कपूर एंड रानी मुखर्जी फिल्म में अभिनय के। फिल्म के अंदर राज और टीना बचपन के दोस्त हैं, जबकि राज हमेशा टीना के प्रति आकर्षित रहा और वह पूजा के प्यार से अनजान है। राज के पिता काम के लिए अपने परिवार के साथ लंदन जाने का फैसला करते हैं। जाने से पहले राज टीना से ईमेल के माध्यम से संवाद करने का वादा करता है। टीना मस्ती प्रेमी और साथी जो है कि विचलित लड़की है, जिम्मेदारी नहीं चाहती है, इसीलिए पूजा राज को लिखती है टीना को अपना वादा निभाने और राज को खुश करने में मदद करने के लिए। अपने नाम के बजाय जो है टीना ईमेल पर हस्ताक्षर करती है। वर्षों से उनके ईमेल उन्हें जो है करीब लाते हैं। साथ ही 15 साल बाद राज जो है छुट्टियों के लिए भारत लौटता है, जब तक कि वह उस लड़की से प्यार करता है जिसे वह लिख रहा है खत और मानता है कि वह जो है उसे पहली नज़र में पहचान सकता है ताकि वह उसके आने से पहले ही तस्वीरों का आदान प्रदान कर सके। जब तीनों मिलते हैं राज पूजा के पीछे चला जाता है, उसे पहचान नहीं पाता जैसा उसने कहा था, लेकिन टीना को पहचानता है और उसके साथ जो है इनकी धूम्रपान किया जा रहा है और सोच रहा है कि उसने जो है इसे इतने जो है सालों में लिखा और वह इस बात पर जो है ध्यान नहीं देता कि असली टीना उस टीना से बिल्कुल अलग है जिसे वह ईमेल से जानता था। और टीना बाद में पूजा का परिचय कराती है और वह दोस्त बन जाते हैं। टीना इस तथ्य से
इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि वह जो है नहीं है जिससे राज वर्षों से बात कर रहा है और वह नहीं है जिसे जो वह वास्तव में प्यार भी करता है। ऋतिक रोशन जैसे वापस आता है वो नहीं पहचान पाता है असली टीना को और जिससे वो प्यार करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। उसने जो है माता पिता और साथ ही शहर जो सगाई की घोषणा करते हैं। उसका दिल टूट गया। पूजा ने कभी भी यानी कि रहस्य का खुलासा नहीं करने का फैसला कर लिया। राज लंदन लौटता है जहाँ पूजा एक जो है स्वच्छता कार के लिए यात्रा करती है। राज पूजा को अपने जो है यानी कि पसंदीदा चर्च में ले जाता है और वह गलती से एक गीत की धुन गुनगुनाती है जिसे उसने जो है लगभग कई साल पहले उसे जो है लिखा था। वह सुनकर राज को तुरंत पता चलता है कि पूजा वही है जो कि उन सभी वर्षों से उसे जो है लिख रही थी और वह उन सभी छोटी छोटी बातों को याद करती है जो उसने ईमेल में साझा की थी। इसके बारे में वह जानती थी। वह उसे बताती है कि वही है जिसे वह वास्तव में प्यार करता है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। भारत में वापस टीना के पिता की मृत्यु हो जाती है। टीना को अकेला छोड़कर उनकी आखिरी इच्छा थी कि टीना राज से शादी करे और पूजा के माता पिता का कहना है कि वह टीना के माता पिता के रूप में सभी रस्में निभाएंगे। यह देखकर कि टीना अब अकेली है पूजा राज से शादी करने से इनकार कर देती है। राज इसके खिलाफ है और अपने माता पिता को सच बताने की जिद करता है और लेकिन जो है पूजा उसे रोक देती है। वह जो है गुस्से में आ जाता है और कसम खाता है कि वह टीना से तभी शादी करेगा जब पूजा उसी दिन किसी और से शादी करेगी। तो दोस्तों फिल्म की कहानी कुछ यूं मोड़ लेती है। तो इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। विषय डॉलर में और इसने भारत में 211 मिलियन की कमाई किया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करें तो 2.8 मिलियन और विदेशों में 2.6 मिलियन का संग्रह इस फिल्म ने किया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की कुल कमाई बताया है 336.1 मिलियन था, जो यूएसए में कन्वर्ट करें तो 4.5 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था और फ्लॉप के यानी कि फैसले के साथ अपने अंतिम व्यावसायिक प्रदर्शन का समापन किया गया था। फिल्म का विश्व टेलीविजन जो है प्रीमियर 7 नवम्बर 2002 को टी सीरीज चाहती टी उनके साथ 2002 को जी सिनेमा पर हुआ था, जबकि इसका डीवीडी संस्करण जो है 11 नवंबर 2003 को सिंगल और साथ ही डिस्क पैक में जारी किया गया था। यह मूवी 8 मार्च 2017 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए फ्लॉप साबित हुआ था। मुझसे दोस्ती करोगे मूवी जो है मिश्रित समीक्षाओं के लिए खोला गया था और आलोचकों ने लीड की सराहना की थी, लेकिन इसके साथ ही यानी कि पूर्वानुमानित जो है कथानक की आलोचना की थी और बॉलीवुड हंगामा के लिए लेखन तरण आदर्श ने इस फिल्म को 1 स्टार की रेटिंग दी और यह देख हुए कि यह स्पष्ट रूप से सनी रानी मुखर्जी की है और जिनकी उनके साथ तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक भूमिका है। उनका मानना था कि मुखर्जी एक भूमिका में शानदार थे जो उन्हें जो एक दोस्त की तरह फिट और साथ ही बैठता था, लेकिन उनका मानना था कि करीना कपूर को पूरी तरह से पृष्ठभूमि से हटा दिया गया था और 2.5 सितारा की समीक्षा में सुभाष के झा ने देखा कि कोहली यश और साथ ही उनके साथ जो है यश चोपड़ा एस क्यू और साथ ही माहौल में अपने समय के इस स्पर्श को जो है लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और वैरायटी की ड्रेक एली ने कहा कि कपूर ने कभी खुशी कभी गम फिल्म 2001 से बड़े पैमाने पर अपने लाडले और साथ ही बिम्बो को जो है फिर से आश्चर्यचकित किया था और रोशन की एक यानी कि स्मार्ट प्रेमी और अच्छी नृत्य प्रतिभा साबित करने के लिए प्रशंसा अर्जित की गई थी। बीबीसी की मनीष गज्जर ने मूवी को कपूर के यानी कि समान और विचार साझा किए थे और टीना के रूप में बेहद जो यानी कि खूबसूरत दिखती है करीना कपूर इस मूवीज में और इसी फिल्म में कॉमेडी के लिए बहुत अच्छी यानी कि फ्लेयर दिखती है। हालांकि दर्शकों को हिट फिल्म कभी खुशी कभी गम मूवी उनके यानी कि पूज चरित्र की याद इस फिल्म में दिला देती है। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और इस मूवी की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बातें कर रहे हैं। सो फ्रेंड, अगर आप लोग इस फिल्म को YouTube पे देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं और इस फिल्म को अगर आपने देखा हुआ है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं इस मूवीज़ को आप लोग कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम इस मूवी को रिव्यू कर रहे हैं। सो फ्रेंड, आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी की मूवी को अपलोड नहीं कर सकता। मैंने अपने कई सारे वीडियो में आप लोग को बताया है मूवी के आउटलुक प्रतीका की नम्रता जोशी ने, जिन्होंने फिल्म को 1 सितारा रेटिंग दी है और इसे जो यानी कि परिहार्य घोषित किया है। वह रोशन की आलोचना कर
रहती थी, जिसे जो है खुद की एक जो है घटिया अवस्था थी पैरोडी बनती है। और उनके साथ जो है समझती थी कि शुक्ने वर्मा ने कहा है कि पहली बार के निर्देशक कोहली अवसाती प्रभावशाली है, वह कथानक की एक कड़ी अवसाती पकड़ रखते हैं और पटकथा पर गहरा ध्यान देते हैं। इस फिल्म का हर चरित्र अच्छा था और तरुण आदर्श से परिभाषित अवसाती धोनी है। फिल्म तेज गति से चलती है और दर्शक जो है यानी कि खामियों को दूर करने के लिए नहीं छोड़ते हैं। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की साथी मधुरिता मुखर्जी ने दावा किया है कि मुखर्जी ने अपने दिल अवसाती दहला देने वाले प्रदर्शन के लिए लगभग पूर्ण और अंक यानी कि प्राप्त किए हैं। और एम्पायर के उमर अहमद ने फिल्म को सेव करने के लिए उनकी सराहना की थी। खालिद मोहम्मद ने कपूर के बारे में कहा कि कलाकारों में से वह जो है मजबूती से चंचल अवसारी चतुर है, लेकिन अगर उसे जो है यानी कि टाइप कास्टिंग से बचना है तो उसे जो है अपने पवित्रता और शांतिपूर्ण कृत्या को दोहराने के लिए ध्यान नहीं रखना चाहिए। मिड डे से इस यानी कि रामाचंद्र ने लिखा कि रोशन ने एक शानदार प्रदर्शन किया था और अपने हिस्से को रानी मुखर्जी और शांति भावना से संचालित भूमिका और करीना कपूर से छिटपुट रूप से जो है यानी कि तीव्र और अभिनय के रूप में वर्णित किया था। साथ ही स्टारडॉस ने प्रशंसा की, हालांकि कुणाल ने कुछ दृश्यों को और साथ ही संवेदनशीलता और परी उनके साझे परिपक्वता के साझे संभाला है, लेकिन वह कई अन्य दृश्यों में विफल हो जाते हैं जो कि देवा भू की उनके साझे भावना देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को, और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किए थे कुणाल कोहली सर, एंड इस फिल्म के राइटर के बारे में हम बातें करें तो आदित्य चोपड़ा एंड कुणाल कोहली ने इस फिल्म की कहानी को लिखे थे। यश चोपड़ा सर इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी, करीना कपूर इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट है। फिल्म को यश राज फिल्म के बैनर के तहत बनाया गया है। इस बैनर में जो भी मूवीज़ को बनाया जाता है वो फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। 9 अगस्त 2002 को सिनेमाघरों में मूवीज़ को रिलीज किया गया था और ये मूवी एक बेहतरीन व्यवसायिक सफलता फिल्म है। हालांकि मूवी फ्लॉप हो चुकी है और इस फिल्म को 120 मिलियन के बजट में बनाया गया था और 336.1 मिलियन से अधिक की कमाई किया है। अपने बजट को काफ़ी अच्छा रिकवर किया है और इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये मूवी बेहतरीन व्यवसायिक सफलता की हुई है। फ्रेंड अब इस फिल्म की कहानी के बारे में हम थोड़ा सा बातें करते हैं कि मूवी की कहानी किस तरह से लिखी गई थी। इस फिल्म में पूजा, राज और टीना आपस में दोस्त रहते हैं, बचपन के दोस्त हैं, जबकि राज हमेशा टीना के प्रति आकर्षित रहा है। वह पूजा के प्यार से अनजान है और राज के पिता काम के लिए अपने परिवार के साथ लंदन जाने का फैसला करते हैं। जाने से पहले राज टीना से ईमेल के माध्यम से संवाद करने का वादा करता है और टीना मस्ती प्रेम और साथ ही उनके साथ जो बिजलती करती है। टीना इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा मस्ती करती है और विचलित होती है, जिम्मेदारी नहीं चाहती है और इसीलिए पूजा राज को लिखती है कि टीना को अपना वादा निभाने और राज को खुश करने में मदद करने के लिए अपने जो है नाम के बजाय ईमेल टीना पर जो है हस्ताक्षर करनी पड़ेगी, यानी कि अपना सिग्नेचर करती है। और वर्षों से उनके ईमेल उन्हें जो है यानी कि करीब लाते हैं। और साथ ही 15 साल बाद जो है राज और साथ ही छुट्टियों के लिए भारत लौटता है तो अब तक जो है यानी कि वह उस लड़की से प्यार करता है जिसे वह लिख रहा है खत और साथ ही मानता है कि वह उसे जो है पहली नज़र में पहचान सकता है, ताकि वह जो है उसके आने से पहले ही यानी कि तस्वीरों का आदान प्रदान कर सके। जब टीना मिलते हैं तो राज पूजा के पीछे चला जाता है और उसे पहचानता नहीं है जैसा उसने कहा था, लेकिन टीना को पहचानता है और उसके साथ जो है धूम्रपान किया जा रहा है और साथ ही सोच रहा है कि उसने जो है उसे इतने सालों तक जो है लिखा है और वह जो है यानी कि इस बात पर ध्यान नहीं देता कि असली टीना उस टीना से बिल्कुल अलग है जिसे वह यानी कि ईमेल से जानता था। और टीना बाद में पूजा का परिचय कराती है, वह दोस्त बन जाते हैं और टीना इसी तथ्य से यानी कि उनके साथ जो अवगत होने के बावजूद कि वह यानी कि नहीं जानता है और जिससे राज वर्षों से बात कर रहा होता है ईमेल के जरिए और वह नहीं है कि जिसे वह वास्तव में प्यार करता है,
राज की छेड़खानी का विरोध नहीं कर सकता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। उनके माता पिता यानी कि उनके साथ जो है सहर्ष सगाई की घोषणा करते हैं। दिल टूट गया पूजा ने कभी भी रहस्य का खुलासा नहीं करने का फैसला किया। अब पूजा जो है चाहती है कि कभी भी यानी कि अपनी सच्चाई को नहीं बतलाए, लेकिन अंत में क्या होता है इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को पहले से देख लिया है तो इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं आप मुझे नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं। और आप अभी देख रहे हैं AK मूवी फैक्ट यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। अब राज लंदन से लौट आता है जहां पूजा एक जो है यानी कि स्वच्छता कार के लिए यात्रा करती है। राज पूजा को अपने जो है पसंदीदा चर्च में ले जाता है और वह जो है गलती से एक गीत की धुन जो है यानी कि गुनगुनाती है जिसे उसने जो है लगभग कई साल पहले उसे लिखा था। यह सुनकर जो है राज को तुरंत पता चल जाता है कि पूजा वही है जो उन सभी वर्षों से उसे खत लिख रही थी और उन सभी छोटी छोटी बातों को याद करता है जो उसने जो है ईमेल से यानी कि साझा की थी, जिसके बारे में वह जानती थी कि वह उसे बताती है कि वह जो है वही है जिसे वह वास्तव में प्यार करता है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। भारत में वापस टीना के पिता की मृत्यु हो जाती है। टीना को अकेला छोड़कर उनकी आखिरी इच्छा थी कि टीना राज से शादी करे और पूजा के माता पिता का कहना है कि वह टीना के माता पिता के रूप में सभी यानी कि रस्में निभाएंगे। यह देखकर टीना अब जो है अकेली हो जाती है। पूजा राज से शादी करने से इनकार कर देती है। राज इसके खिलाफ है और अपने माता पिता को सच बता देता है कि जीत करता है, लेकिन पूजा उसे रोक देती है। वह गुस्से में कसम खाता है कि वह टीना से तभी शादी करेगा जब पूजा उसी दिन किसी और से शादी करेगी। लंदन में रोहन वर्मा राज के दोस्त हैं जो हमेशा पूजा की ओर आकर्षित होते रहे हैं। जब परिवार राज और टीना की शादी कर लिए यानी कि राज और टीना की शादी के लिए लंदन जाते हैं तो पूजा राज के यानी कि अल्टीमेटम को पूरा करने और टीना की खुशी यानी कि सुनिश्चित करने के लिए रोहन से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन टीना को आखिरकार पता चल जाता है कि राज वास्तव में पूजा से प्यार करता है, क्योंकि वह देखती है कि राज के परिवार का शादी पुश्तैनी कंगन पूजा की कलाई के बजाय जो है उसकी कलाई के लिए फिट बैठा यानी कि फिट किया गया था और वह जो है यानी कि वेदी पर टीना ने राज और पूजा का सामना करते हुए कहा कि वह अकेली नहीं है और खुशी है कि वह जो है ऐसे महान दोस्त उसके लिए अपने प्यार का त्याग करने को तैयार है। और फिल्म पूजा और राज की शादी के साथ समाप्त हो जाती है और ये मूवी को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। आखिरकार पूजा और राज की इस मूवीज़ में शादी हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बतला रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हुए हैं जो इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे मूवी कुणाल कोहली के निर्देशन में पहली फिल्म थी जिन्होंने इस फिल्म को पहली बार डायरेक्ट किए थे और मीडिया ने बताया कि फिल्म 1996 की अमेरिकी कॉमेडी द थ्रूट अबाउट कैटॉस एंड डग्स पर आधारित मूवी थी, लेकिन कोहली ने समझाया कि इसका जो है एक दृश्य समान नहीं है और गलत पहचान से निपटने वाला एक ट्रैक मूवी है, लेकिन यह चीड़ नहीं है ऑफ यानी कि इसे जो है यह यशराज फिल्म के बैनर के तले यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया मूवी था और आदित्य चोपड़ा ने कोहली के साथ जो है कहानी और पटकथा का सह लेखन भी किया था। इस फिल्म के जितने भी संवाद कोहली ने लिखे थे और नील नितिन मुकेश से इस फिल्म के सहायक निर्देशन के रूप में इन्होंने इस मूवीज़ में काम किया है। मुखर्जी रोशन के रूप में इस फिल्म में काम की है। रानी मुखर्जी रोशन और करीना कपूर को मुख्य भूमिका में लिया गया था। यह मूवी यादें फिल्म 2001 और कभी खुशी कभी गम मूवी 2001 के बाद जो है यानी कि तीसरे सहयोग को चिन्हित करता है। रानी मुखर्जी पूजा सहानी के रूप में इस फिल्म में काम की है। उन्हें जो है से दोस्ती करोगे पर काम करने के लिए हर पल से प्यार था और फिल्म को उनके लिए साथी विशेष अधिकारी के रूप में वर्णित किया गया था।
ऋतिक रोशन ने राज खन्ना का किरदार इस फिल्म में निभाया है, जिसकी तुलना उन्होंने कहोना प्यार है मूवी सन 2000 के दशक में अपनी भूमिका से की थी। उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ अपने संबंधों की बात करते हुए दावा किया कि उनके साथ जो है काम करना एक खुशी थी और वह जो है बहुत ही पेशेवर और बहुत यानी कि मिलनसार और साथ ही जो है इनकी सहज है। जब वह सेट पर आती है तो वह सभी नकारात्मक को पीछे छोड़ देती है। Rediff.com द्वारा साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि मुझसे दोस्ती करोगी मूवी एक बहुत ही गहन और फिल्म थी, और कहा कि उनके साथ जो है दूसरा भाग मेरे चरित्र राज की यानी कि तीव्रता से आगे बढ़ जाता है। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म एक प्रेम त्रिकोण की तुलना में तीन दोस्तों की कहानी को इस फिल्म में बतलाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को, और मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे मूवी रिव्यू, मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये मैंने आप लोग को कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है। इसी बीच करीना कपूर मस्ती करने वाली लड़की टीना कपूर की भूमिका निभाई है इस मूवी में। वह शुरू में फिल्म में अभिनय करने के लिए निश्चित थी, क्योंकि वह मुखर्जी के बाद फिल्म की दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाएंगी। हालांकि द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कोहली और यश चोपड़ा ने उन्हें इसे जो है स्वीकार करने के लिए मना लिया। उन्होंने इस भूमिका को बहुत यानी कि ग्लैमरस और साथ ही विशिष्ट रूप से जो लोग मुझसे उम्मीद करेंगे के रूप में पाया, और उनका मानना था कि उनके प्रशंसक विशेष रूप से पुरुष इसे जो है पसंद करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं एक हारे हुए की भूमिका निभाती हूँ, फिर भी विजेता बनकर उभरती हूँ। यह एक अच्छी यानी कि नायिका नहीं है जिसे जो है नायक मिलता है, और मेरी भूमिका में बेहतर गुंजाइश है कि मैं फिल्म का जीवन हूँ और अन्य पात्र ज़्यादातर यानी कि समय उदास रहते हैं, और अपने परिचयात्मक दृश्य की तैयारी के लिए अभिनेत्री ने 3 या 4 दिनों तक जो है यानी कि कुछ नहीं खाया था। और यह जो है यानी कि असंगत रूप से रिपोर्ट किया गया था कि क्योंकि वह बहुत अच्छा दिखना चाहती थी, क्योंकि इसमें जो है मेरे साथी जो है मिड रिफ को जागरूकता करना था, मीड ड्रिप को यानी कि उजागर करना शामिल था। और इसके अलावा करीना कपूर ने स्वीकार किया कि उनका रूप जो है मुख्य प्राथमिक थी। 120 मिलियन के बजट में फिल्म को बनाया गया था। इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट कर तो 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बड़े बजट पर फिल्म को बनाया गया था। मुख्य फोटोग्राफी मूवी को रवि के चंद्रा और साथ ही गोपाल शाह ने संभाला था। फिल्म मंकन फिल्म सिटी लंदन और साथ ही स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में शूटिंग किए गए थे, और अहमद खान इस फिल्म के कोरियोग्राफर थे, जबकि मनीष मल्होत्रा और रॉकी स्टार जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। मूवी के अनुज माथुर ने जहां साथी जो यानी कि धोनी को डिजाइन किया है, वही जो है यानी कि उनके साथ जो यानी कि शर्मिष्ठा राय ने कला निर्देशक के रूप में काम किया है। फिल्म मंकन समाप्त होने के बाद मुझसे दोस्ती करोगे मूवी रितेश सोनी और बी कार्निक द्वारा जो है संपादित किया गया था। इस वीडियो में अभी हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को, और अभी आप देख रहे हैं एके मूवी फैक्ट यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है मैंने जितने मूवीज़ को रिव्यू किया है उस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में आप लोग को ज़रूर बतलाता है। अब हम बातें करेंगे इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रानी मुखर्जी मैम के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे ऋतिक रोशन के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग रानी मुखर्जी मैम के फ़ैन हैं और इनके मूवीज़ को आप देखना पसंद करते हैं, तो वीडियो को आप लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रानी मुखर्जी ने अपने कई सारे फिल्मों में अभिनय की है, और इनके जन्म के बारे में हम बातें करें तो 21 मार्च 1978 में इनका जन्म हुआ था, और इनका 43 साल की ये हो चुकी है, और इनका शादी आदित्य चोपड़ा से हुआ है। इस वीडियो में हम आप लोगों को काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में बतलाएंगे। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। ये है रानी मुखर्जी, इनका जन्म 21 मार्च 1978 में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। वह 7 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसकों की प्राप्त करता है, और उनकी कुछ भूमिकाओं को मीडिया में भारतीय महिलाओं के पिछले स्क्रीन चित्रणों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान के रूप में उद्धृत किया गया है। मुखर्जी ने 2000 के दशक की सबसे अधिक भुगतान वाली अभिनेत्रियों की सूची में जगह इनको मिली थी। हालांकि रानी मुखर्जी का जन्म मुखर्जी समर्थन परिवार में हुआ था, जिसमें जो है उनके माता पिता और साथ ही रिश्तेदार भारतीय फिल्म उद्योग के सदस्य रह चुके थे, लेकिन उनकी फिल्मी करियर बनाने की इच्छा नहीं थी, और एक जो है यानी कि किशोरी के रूप में उन्होंने अपने पिता राम मुखर्जी की बंगाली भाषा की फिल्म यानी कि बिहार
फिल्म बियरफुल और साथ ही सामाजिक नाटक राजा की आएगी बरात मूवी दोनों ही फिल्म 1996 में अभिनय करके अभिनय का इन्होंने शुरुआत किया। और रानी मुखर्जी को पहली जो है व्यावसायिक सफलता एक्शन फिल्म गुलाब मूवी से मिला जो 1998 में रिलीज हुआ था। और सफलता कुछ होता है मूवी में इन्होंने काम किया और इस फिल्म से भी इनको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली थी। अब 1998 से मिली एक जो है यानी कि संक्षिप्त झटके के बाद जो है वर्ष 2002 में उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्हें जो यशराज फिल्म धारा नाटक और साथ ही साथिया के स्टार के रूप में इनको लिया गया था। रानी मुखर्जी ने कई व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक फिल्मों में अभिनय करके खुद को जो है स्थापित किया है जिनमें चलते चलते मूवी सन 2000 की मूवी शामिल थी और हम तुम मूवी 2004 में, बीर जरा 2004 और साथ ही कभी अलविदा ना कहना मूवी 2006 में और साथ ही क्राइम कॉमेडी बंटी और बबली फिल्म 2005 में शामिल है। उन्होंने राजनीतिक थ्रिलर युवा फिल्म 2004 में, नाटक ब्लैक फिल्म 2005 में और बहरी और अंथी महिला और महिला प्रधान फंटासी पहली फिल्म 2005 में एक राजस्थानी दुल्हन की भूमिका निभाने के लिए भी प्रशंसा प्राप्त की थी। और इसके बाद रानी मुखर्जी ने यशराज फिल्म के साथ कई सफलता फिल्मों में काम किया है और जिसके कारण जो है आलोचकों ने उनकी जो है पसंद की भूमिका ऊपर जो है शोक व्यक्त किया था। और वह तब तक जो है यानी कि बदल गया था जब उन्होंने थ्रिलर नो वन और साथ ही किल जोशी का 2011 में एक मजबूत और साथ ही पत्रकार की भूमिका निभाई और थ्रिलर मूवी में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए और सफलता मिली। तलाश द आंसर लाइज फिल्म विद इन 2012 में रिलीज हुए थे और मर्दानी फिल्म 2014 में आई थी और इसके सीक्वल मर्दानी 2 फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था। और कॉमेडी ड्रामा हिचकी फिल्म 2018 में बाद वाली उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज मूवी के रूप में उभरे थे। रानी मुखर्जी और साथ ही मानवीय कारणों से जुड़े हुए हैं और महिलाओं और साथ ही बच्चों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में मुखर है। उसने जो है यानी कि कंसर्ट टूर और साथ ही स्टेज शो में भाग लिया है और 2009 के रियलिटी शो डांस प्रीमियर लीग के लिए एक प्रतिभा न्यायाधीश के रूप में काम कर चुकी है और इनको न्यायाधीश के रूप में चित्रित किया गया है। रानी मुखर्जी ने फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा से शादी की है जिनसे उनके एक बेटी है। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को जिसे 2002 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में आपको ऋतिक रोशन एंड करीना कपूर एंड इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने अभिनय की है। 2002 की ये मूवी है जिसे जो है फ्लॉप साबित किया गया है लेकिन ये मूवी एक बेहतरीन व्यवसायी मूवी है और इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को बता रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करके हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोगों को पता है हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को, तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। रानी मुखर्जी ने सबसे पहले 1998 में इन्होंने विक्रम भट्ट की एक्शन फिल्म गुलाम में आमिर खान के साथ अभिनय किया था जो उनकी पहली व्यावसायिक सफलता मूवी थी। हालांकि फिल्म में उनकी भूमिका छोटी थी लेकिन आतिकिया खंडाला गीत ने उन्हें जो यानी कि सार्वजनिक पहचान दिलाई थी और रानी मुखर्जी की यानी कि कर्कश आवाज़ के कारण जो है भट्ट ने जो है ऊंच ऐश्वर्य वाले किसी भी व्यक्ति को उनकी साथी पंक्तियों को ड्रॉप किया था। रानी मुखर्जी ने कहा है कि ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि उनकी जो है आवाज़ चरित्र के अनुरूप नहीं थी और उसी वर्ष करण जौहर ने उन्हें अपनी पहली निर्देशक फिल्म कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान के साथ और काजोल के साथ जो है कास्ट किया था। यह भूमिका मूल रूप से ट्विंकल खन्ना के लिए लिखी गई थी लेकिन जब उन्होंने और कई अन्य प्रमुख महिलाओं ने इसे जो है अस्वीकार कर दिया तो करण जौहर ने शाहरुख खान के साथ और फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा के आग्रह पर जो है रानी मुखर्जी को साइन कर लिया और उसने शाहरुख खान के चरित्र की प्रेम रुचि और बाद में पत्नी टीना की भूमिका इस फिल्म में निभाई जो कि अपनी बेटी को जन्म देने के बाद मर जाती है। करण जौहर ने मूल रूप से मुखर्जी की आवाज़ को ड्रॉप करने का इरादा किया था लेकिन उन्होंने अपने उच्चारण में सुधार किया और अंततः अपनी आवाज़ खुद दी थी। इस फिल्म के लिए इंडिया टुडे के लिए एक फिल्म समीक्षा करते हुए नंदिता चौधरी ने लिखा है कि यह मूवी खूबसूरत रानी मुखर्जी थी जो कि शो चुरा लेती थी और हर यानी कि पोर से जो है यानी कि ओफिंग वह जो है खुद को जो है यानी कि एक कवि नेत्री भी साबित करती है जिसका जो है समय आ गया है और कुछ कुछ होता है मूवी में रानी मुखर्जी के लिए एक यानी कि सफलता साबित हुई थी और इसने 1.3 बिलियन से अधिक की कमाई किया। यूसी में कन्वर्ट कर दे तो 14 मिलियन से अधिक की कमाई की जो कि साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी थी।
और 8 यानी कि फिल्म फेयर इस फिल्म को मिले थे। 8 फिल्म फेयर इस फिल्म ने जीते, जिसमें जो है शामिल है रानी मुखर्जी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, और इसके बाद उन्होंने साथ ही मेहंदी फिल्म में अभिनय किया जिसे 1998 में रिलीज किया गया था, और हेलो ब्रदर फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी। महत्वपूर्ण मूवी थी, व्यावसायिक सफलता मूवी था, और साथ ही निराशाओं में भूमिकाएं निभाई थी जो कि उनके करियर को आगे बढ़ाने में ये मूवी विफल रही थी। सन 2001 में चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था। ऑडियो रिलीज पर रानी मुखर्जी 2000 तक जो है मुखर्जी मानक हिंदी फिल्म और साथ ही नायिकाओं के रूप में टाइप कास्टिंग से जो है बचना चाहते थे, और इसी तरह उन्होंने कट्टर साथी ग्लैमर्स लीड के अलावा और अधिक चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने का फैसला किया था। बात और साथ ही बिच्छू में दो पुरुष केंद्रीय एक्शन ड्रामा दोनों बॉबी देओल के साथ अभिनीत उन्होंने ऐसी भूमिकाएं निभाई जिन्हें जो है आलोचकों से बहुत कम प्रशंसा मिली, और कमल हसन की त्रिभाषी फिल्म है राम में सहायक भूमिका अधिक जो है इनकी फायदेमंद साबित हुई। फिल्म जो है साथ ही जो है महात्मा गांधी की हत्या का एक आंशिक रूप से काल्पनिक मूवी थी और विवरण था, और रानी मुखर्जी ने एक बंगाली स्कूल शिक्षक की भूमिका निभाई थी जिसका जो है यानी कि कलकत्ता में साथ संप्रदाय का दंगों के दौरान जो है बलात्कार और साथ ही हत्या कर दी जाती है। और अब तक केवल जो है यानी कि ग्लैमर्स भूमिकाएं निभाने के बाद जो है उन्हें जो है यानी कि हसन के और साथ यथार्थवाद पर जो है यानी कि जोर देने और उनके साथ जो है बिना मेकअप के पर्दे पर आने के लिए चुनौती दी गई थी। उनका मानना था कि अनुभव ने अभिनय के प्रति जो है उनके दृष्टिकोण को बदल दिया था। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं रानी मुखर्जी की फिल्म को। इस फिल्म का नाम है मुझसे दोस्ती करोगे, और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को, और मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। साथ ही पुरस्कृति फिल्म जो है महात्मा गांधी की हत्या का एक आंशिक रूप से काल्पनिक विवरण था, और रानी मुखर्जी ने एक बंगाली स्कूल शिक्षक की भूमिका इस फिल्म में निभाई थी जिसका जो है कलकत्ता में साथ ही सांप्रदायिक दंगों के दौरान बलात्कार हो जाता है और हत्या कर दी जाती है। अब तक जो है केवल ग्लैमर्स भूमिकाएं निभाने के बाद उन्हें जो है हसन के साथ जो है यानी कि यथार्थवाद पर जोर देने और बिना यानी कि मेकअप के पर्दे पर आने के लिए चुनौती दी गई थी, और उनका मानना था कि अनुभव ने अभिनय के प्रति जो उनके दृष्टिकोण को बदल दिया है, और हे राम के विवाद दशव यानी कि विजय के कारण बॉक्स ऑफिस में खराब कमाई हुई थी। लेकिन इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा काफ़ी हद तक सराहा गया था और ऑस्कर में भारत की यानी कि आधिकारिक जो है पुरस्कृति के रूप में चुना गया था। रोमांटिक कॉमेडी हथकरघी आपने इस फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था, और कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म में अभिनय करने के बाद रानी मुखर्जी ने सलमान खान और साथ ही प्रीति जिंटा के साथ जो है रोमांटिक कॉमेडी हर दिल जो प्यार करेगा इस फिल्म में इन्होंने अभिनय किया जिसने जो है उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन दिलाया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को, जिसे 2002 में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 326 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं कुणाल कोहली सर ने, और फिल्म की कहानी भी कुणाल कोहली एंड आदित्य चोपड़ा ने मिलकर लिखे हैं। दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं यश चोपड़ा सर ने। इस फिल्म को यश राज मूवीज के बैनर के तहत बनाया गया था। इस फिल्म को इंडिया के अंदर 9 अगस्त 2002 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, और रिलीज होने के बाद फिल्म से एक बड़ी उम्मीद थी कि फिल्म अच्छी कमाई करेगी। इस फिल्म को 120 मिलियन बजट में बनाया गया था और फिल्म ने 336.1 मिलियन से अधिक की कमाई किया। बात करें फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी, करीना कपूर इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में नजर आई हुई थी। तो दोस्तों ये फिल्म 2002 में रिलीज हुआ था और ये मूवी अभी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म को, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।